Namaskar. And I hope we have the permission to start today's proceedings. Balidan Divas Ye Din. Observe karte hue aaj hame 30 saal pure ho chuke hain. 1990 mein first time jo Balidan Divas tha aapko yaad hoga aapne chalo lal chowk karke karyakram tha PANUN KASHMIR abhi hamari संभावनाओं में था, अभी हमारे दिल में था, हमारी इमेजिनेशन में था, लेकिन उस समय भी हम सब कार्यरत थे। और उसके बाद जब पहली बार हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था 91 में, तो आपको याद होगा तभी ये अपने जो नहर है राजेंद्र पार्क, वहां सबने हम सबने अपने मुंडन करवाए थे। आज 30 साल के उपरांत हम एक बार फिर अपना जो हमारा एक संकल्प है अपनी पुनर्स्थापना को लेकर अपनी मातृभूमि अपने होमलैंड उसको दोहराने के लिए इकट्ठा हुआ है। शतन कुनी कत जय PANUN KASHMIR। मैं दीप प्रज्वल के लिए अपने इन सब अतिथियों को मैं नाम लूंगा, आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वल के लिए आए। कर्नल श्री आरएसएन सिंह साहब, पीटी कुंजान साहब, एडवोकेट अंकुश शर्मा जी, प्रोफेसर हरिओम जी, डॉक्टर क्षमा कौर, हमारे कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आज के श्री सुधीर महाजन, समूह थिएटर के प्रेसिडेंट हैं, श्री किरण वातल जी, डॉक्टर क्षमा कौर जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, डॉक्टर अजय श्रम्भू जी, हाथ लगाओ सर। Satras
जी सबू साहब ये पीछे करना, ये हमारी लास्ट आइटम है सेशन की, सॉन्ग इन एग्जाइल और ये वीडियो प्रेजेंटेशन, ये वीडियो प्रेजेंटेशन फॉर 5 मिनट्स और वॉर का जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर उनको पता चल गया, इस आर्किटेक्चर में कौन है, मुफ्ती कौन है, मुफ्तीज कौन है, अब्दुल्ला कौन है, हुर्रियत को कौन है, पाकिस्तान हाई कमीशन कहाँ बैठता है इस आर्किटेक्चर में है, ये लुटियंस दिल्ली के कई जर्नलिस्ट कहाँ इसमें शामिल है, फाइव फाउंडेशन इसमें
इसमें कहा था तमाम एनजीओज इसमें कौन से हैं, कौन से मीडिया हाउसेज हैं, ये सारा आर्किटेक्चर लोगों को पता चल गया। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये केवल कश्मीर का मसला नहीं था, ये केवल जेएनके का मसला नहीं था। आप उस देखिए वो किस तरह से, अगर कश्मीर सर है हिंदुस्तान का, तो ये जो रोग है वो पूरे पूरे शरीर में फैल रही थी। बुरहान वानी मारा जाता है कश्मीर में, उसका रिपरकशंस होता है केरला के कोर्ट्स में, ब्लास्ट होता है। 26/11 हुआ, वो भी उससे जुड़ा हुआ था, कश्मीर से जुड़ा हुआ था। पठानकोट में अटैक हुआ, वो भी कश्मीर से जुड़ा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में जो हिंटरलैंड में, अयोध्या, वाराणसी, जयपुर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, तमाम जगहों पे जो ये ब्लास्ट हुए थे हिंटरलैंड में आपको 2004 और 8 में, वो कश्मीर से जुड़ा हुआ था। तो अगर हम ये कार्रवाई नहीं करते, ये न्यूरो सर्जरी नहीं करते कश्मीर का, तो हमारे लिए जो सिचुएशन जो था वो काफी गंभीर हो रहा था। तो हमारे दो डॉक्टरों ने, ऊपर में बैठे दो डॉक्टरों ने न्यूरो सर्जरी इनकी कर दी। अब 1947 से लेके आज तक हम केवल डिफेंसिव पे रहे। 47 में ट्राइबल इन्वेजन हुआ, वहां की फौज की निगरानी में हम डिफेंसिव में, 370 लगाया डिफेंसिव, ऑफ जिब्राल्टर हुआ उसके पहले सक्षम वैली ले लिया चाइना में डिफेंसिव, उसके बाद 65 में ऑफ जिब्राल्टर हुआ डिफेंसिव, 71 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर थे, हम चाहते तो एक परमानेंट सोल्यूशन कर लेते, निगोशिएट कर सकते थे डिफेंसिव, उसके बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ डिफेंसिव, उसके बाद कारगिल हुआ डिफेंसिव, उसके बाद हमने ये तमाम, ये पठानकोट, ये सारा जो कुछ भी होता रहा बिल्कुल डिफेंसिव पे रहे। हमने प्रीएम्प्टिव, या इसको कहिए प्रीएम्प्टिव या प्यूनिटिव, हमने एक्शन शुरू किया सर्जिकल स्ट्राइक से, और उसके बाद ये बालाकोट से, ठीक है साहब। और देखिए आपको क्या डिविडेंड्स मिले, देखिए जब आप उस पे गए तो क्या डिविडेंड्स मिले। और मैं आपको एक, और ये अभी हमने जो कार्रवाई की है 370 हटावे की, ये भी एक ऑफेंसिव एक्शन है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, और इस बात पर यकीन कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल पुल पीओके का हमारी तरफ है। अरे भाईचारे में तो पुष्पेंद्र जी बोलते हैं ना, भाईचारा में कौन किसका चारा है वो जानते ही नहीं। तो आप जब भाईचारा होता है तो आप तो खून देते हो, आप खून तो लेते नहीं हो दूसरे का, लेकिन 1400 साल से तो ये एक दूसरे से का ये खून ही ले रहे हो। आज कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है, कौन किसका खून ले रहा है, क्या कश्मीरी पंडित वहां पे खून ले रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि 370 हट गया, बाइफर्केशन जो होना था वो हो गया है, इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन मैं आपके जरिए सरकार और समाज दोनों से गुजारिश करूंगा कि आपका पहला काम है उन लोगों को मरहम लगाना जो कि 70 साल से 370 के विक्टिम थे। जो कि 370 के विक्टिम थे, आपको मालूम है, आप भी उनमें, आपने भी बहुत पीड़ा सहा है। अगर गलत जगह मरहम लगाओगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। और आखिरी में मुझसे किसी ने, पाकिस्तानी ने एक डिबेट में कहा, आप क्या आरएसएस ने क्या अखंड भारत और इसका क्या ये, मैं बोला भैया देखो मैं आरएसएस का नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अखंड भारत से
मेरा क्या मेरी क्या समझ है अखंड भारत के बारे में। यूएसए में एक सर्वे में 26% लोगों ने कहा कि पाकिस्तानियों ने कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। करीब 40% बांग्लादेशियों ने कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं वो हिंदुस्तानी है। ऑस्ट्रेलिया और कई जगहों में आज भी अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर लिख दो तो आपके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत है। आज के चीफ गेस्ट कर्नल आरएसएन सिंह साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर एडवोकेट श्री अंकुर शर्मा जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, डॉक्टर अजय चिरिंगो जी और यहाँ पे तशरीफ लाए हुए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन जैसे कि हम सब यहाँ पे आज बलिदान दिवस मार्टियर्स डे को मनाने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। आज के इस दिन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने बहनों ने जो स्ट्रगल जो बलिदान दिया है इन 30 सालों में उसको लेके आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे वहां पे हमारे कश्मीरी पंडित लोगों को फोकस्ड करके टारगेट करके वैली से बाहर निकालने की बहुत बड़ी साजिश वहां पे रची गई थी। मगर इन 30 सालों में पानून कश्मीर ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हमेशा इस बात को कहीं भी या कैसे भी प्लेटफॉर्म से इन्होंने रखने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों का हौसला अभी टूटा नहीं है, हौसला अभी इनमें बहुत ज्यादा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्रगल किया इन 30 सालों में और जो अभी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पानून कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म से उसका उसके लिए जो हमारे जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है जो हमारे लद्दाख का सबसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे एपेक्स बॉडी है उनका हमेशा पानून कश्मीर को हमारा दिल से सपोर्ट रहा है और आइंदा भी रहेगा। हमें मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अभी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया है, बाइफर्केशन हो गया है, लद्दाख अब एक यूटी बन गया है और अभी हमारे लिए चैलेंजेस जो है यूटी बनने के बाद भी हमारे चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं, हमारे चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसके लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है कि
कैसा लद्दाख बनाना है जिसमें हमारे कल्चर का, हमारे आइडेंटिटी का, हमारे लैंग्वेज का उसमें प्रोटेक्शन हो, लोकल इंटरेस्ट का उसमें प्रोटेक्शन हो, और कैसे एक नई यूटी में लद्दाख आगे कैसे बढ़े, इन सब का भी हमें अभी बहुत सारी चीज़ों पे अभी हमें काफ़ी हमें अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में अभी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो था वो हमारा एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल था हमारे डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के लिए, खासकर हमारे जम्मू के लोग और लद्दाखियों के लिए तो बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल था आर्टिकल 370। और हमारे एजुकेशन के दौरान हमारा यही हमेशा डिमांड रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, आपने शायद सुना होगा बहुत बार, हमारा यही डिमांड रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। तो आज लद्दाख कश्मीर से फ्री हो गया है और लद्दाख एक अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि ऐसा दिन जरूर आएगा कि जब जम्मू को भी अलग से स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए भी एक अलग यूटी का डिमांड जो आप लोगों ने किया है उसका भी डिमांड पूरा होगा, जिसके लिए हम सब मिलके बिना थके हारे, बिना हौसला हमारा टूटे, हम इन सब को इस डिमांड्स को आगे ले जाने के लिए, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, पनून कश्मीर, एकजुट, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक होके हम आने वाले दिनों में इन सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम जो भी हमारी तरफ से बन पाएगा, जो भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, उन सब के लिए हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ये डिमांड सारे आने वाले दिनों में ज़रूर पूरा होंगे। और इसी के साथ मैं एक बार फिर पनून कश्मीर का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस बलिदान दिवस पे यहाँ पे आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया है। 5 अगस्त को भारत सरकार नोटिफिकेशन निकाल के विद इमीडिएट इफेक्ट मुक्ति दिवस डिक्लेयर करे। और 26 अक्टूबर विलय दिवस ऑफिशियली रिकग्नाइज करके जो उस इवेंट की, जो उस दिवस की जो सिग्निफिकेंस है उसके साथ न्याय करके उसे भी एक स्टेटस दिया जाए। बात रही 13 जुलाई की, चर्चा हो रही थी अग्निशेखर जी से कि 13 जुलाई अब चलिए अब यूनियन टेरिटरी बन गई, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज कम इनटू फोर्स इनफैक्ट आफ्टर 31 अक्टूबर, तो 13 जुलाई की छुट्टी तो ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि 13 जुलाई को कोई छुट्टी नहीं होगी। 370 और 35 के ध्वस्त होने के बाद कुछ दूरगामी डिमांड्स भी हैं जो भारत सरकार और हमें मिलकर पूरी कर दी। उसमें सबसे पहले भारत सरकार को यह चाहिए कि कम से कम 2021 का सेंसस होने तक या 2021 के सेंसस से पहले भी जो जम्मू कश्मीर के सेंसस में जो फ्रॉड हुआ है, जो धोखा हुआ है, क्योंकि आइडिया ये था कि पावर मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को देनी है, भारत सरकार ने मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके पोस्ट 1950 जितने भी सेंसस हुए उसने खुद फज किया, 50 की जगह 500 घर दिखाए। तो जब तक वो सेंसस ठीक नहीं होता इलेक्शन को काइंडली पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जम्मू और राष्ट्र अब ये टॉलरेट नहीं करेगा कि 370 और 35 की एब्रोकेशन के बाद भी यहां की राज सत्ता जिहादी एंटी नेशनल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को दी जाए। यहां की सत्ता, यहां का पावर बैलेंस जम्मू में वेस्ट होगा और जम्मू के हाथ में, और कश्मीरी हिंदू समाज जो हमारा बैठा है विद एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनकी, वो यहां पर रूल करेंगे। एंटी नेशनल लोग पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहते हैं कि डी ज्यूरे मुस्लिम स्टेट अभी खत्म हुई है, डी फैक्टो मुस्लिम स्टेट अभी भी स्थापित है। जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन रिवर्स करके यहां से वो फॉरेस्ट एरियाज जो जम्मू के इर्द गिर्द घेरे जा चुके हैं उन्हें खाली करवा के डेमोग्राफिक इन्वेजन के रिवर्सल का प्रोसेस और डी फैक्टो मुस्लिम स्टेट, ये मुस्लिम स्टेट ही थी, लीगल मुस्लिम स्टेट ही थी जिसने इस तंत्र को इस्तेमाल करके रोशनी एक्ट जैसा कानून बना दिया और सुनिश्चित किया कि जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को स्थापित करके यहां की डेमोग्राफी चेंज करेंगे।
370 खत्म होने से पहले हाई कोर्ट में चुनौती देके 2014 में 2000 रोशनी एक्ट को, 4 साल लड़ाई लड़के 2018 में इस मुस्लिम स्टेट के लेजिस्लेटिव जिहाद को हमने सिंगल हैंडेडली डिफीट कर दिया, रोशनी एक्ट को ध्वस्त कर दिया। अंततः बहुत धन्यवादी हूँ पनून कश्मीर का कि उन्होंने इतना दे ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल प्रोग्राम, गिव मी अ चांस टू स्पीक। और भारत सरकार तक ये अगर बात पहुंचे तो हमारी इमीडिएट डिमांड्स और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाली कोई नहीं, शॉर्ट टर्म डिमांड, उस पर चिंतन करके, मनन करके, निध्यासन जरूरत हो भी करके ये सब डिमांड्स हमारी पूरी करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज स्पोकन हिज हार्ट आउट। सन्यासी ज्ञान मिलासी आए कृपा कर द्वार पवित्र कर, आज्ञा नहीं कोई हुक्म, भिक्षा थोड़ी सी भिक्षा, कोई आज्ञा कोई हुक्म, अन्न थोड़ा सा और क्या, बस मस्त दरवेश, एक मानिए नवी गणेश कृष्ण करी, हुक्म कीजिए जल के दो घूंटे या कुछ मठा,
ऋषि चिनार का, नैवेद्य लीजिए सूखे मेवे थोड़ी शरीरी, चावल तहरी की और रुपया एक। आज्ञा कोई ना, दूर विपत्तियां। अब मैं एडवोकेट
मोनिका कोहली गंजू जी को विनती करता हूं कि वो मंच पर पधारे। श्री भूषणलाल जी भट्ट जगती कैंप से आए हैं, उनसे विनती है कि वो मंच पर आए और पधारे। चमन कहते न डर हम दम गिरी हो कब जहां बिजली तो मेरा आशियां क्यों हो। हमारी माँ शारदा, मेरी माँ कहती है कि उसके गांव के पड़ोसी वहां के पुजारी हुआ करते थे, और महामहेश्वर श्री अभिनव गुप्त वो अपने उपसंहार रूप में लिखे श्रीतंत्रों के 37वें अनेक में माँ शारदा का विशेष अनुरागात्मक उल्लेख करते हैं। कहते हैं यहाँ शारदा रहती है जो चांद जैसी शुभ्र, यानी जरूर है कि मूर्ति सफेद संगमरमर की रही होगी, उसका विग्रह संगमरमर का रहा होगा जो कश्मीर से बाहर के लोगों को भी अनुग्रहित करती है। तो अपने लोग तो उसे बहुत प्रिय रही है, शांडिल गोत्री उसके सेवक है। यत्र स्वयं शारद चंद्र शुभ्र शुभ्राम श्री शारदे पृथक जनेशु शांडिल सेवा सुप्रसन्ना सर्व जन स्वय विभवे यन्नक्ति। क्या हमें हमारे इस दारुण कष्टकारी महासमय के आगमन के मूल कारणों में चिंतन की आवश्यकता नहीं? इतिहास तथा राजनीति स्वयं ही उन कर्मों से सुनिश्चित होती है जो हमने किया, पर हमारे लिए ही कठिन रहस्य आत्मकता बनी हुई है उनकी। यही कारण था कि जब मैं 2 वर्ष पूर्व श्रृंगेरी गई तथा माँ के वहाँ जाने की कथा के पीछे रहे कारण रहस्यों की असंभव सी खोज करती रही, निसहाय होकर अपनी डायरी में जो अंकित किया वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। क्यों गई माँ जब वहाँ मैंने देखा श्रृंगेरी में बैठी है जिसको हमारे पास होना चाहिए, तो मैंने सोचा जरूर हमारा कुछ हमने कुछ गलतियां की है। क्यों गई माँ तुम शंकर के साथ करके हमें अनाथ, उसका तप था थी भूली भूले हमारी नूपुर झनके तुम्हारे हिली चूले हमारे। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहूँ नेता कहूँ श्री भूषणलाल जी भट्ट को। नमस्कार, मुबारक मुबारक ऐसी सारणी इसकी आज शो वैसे 2 हो इस मनावन बलिदान दिवस तिमन याद करें यम विजय गुनिस्ताम शहीद सब दी अत कशीर हिंदिस अत एपिसोडस मन अत लड़ाई मन अत इस्लामी टेररिज्म मन बेले यतन ब्यूटस बमारा उसुस अत फिल्म मंदिर की नतो सुचा मिश यार सोर एरिया उस बजट को मुशक अपनम तस मन हिल मार्ग दर्शन रेजोल्यूशन एस पास मिश यार शाम वक्तनस कित को जनस को सानो तिमो समर्थको सानो तिमो जवानो टेबल हाथ हाथ तो बजाए हैं, लेकिन जो ये आर्म्स थी कुर्सियों के साथ में कई तो खड़े होकर टेबल को पीछे से बजाने लगे जब उस रेजोल्यूशन को पास किया। डॉक्टर साहब की है दरवाज को यल अशुमन अपोर करने के बारे में सोचो वो शाम दरवाजे यल गो अच्छा बोझनी हो डॉक्टर साहब दोपे मे बोझनी वन अशुमन अपोर कर अमे खुश वन क्या करो ताय भाई मे नजर दिन मे महाराज अत 13 खोर बोझ 13 फुट स्टेप्स
شاہ تور ہی نہیں سات تور ہی نہیں تو شاہ یور گشت سنسیرلی سپری نشوا عادت بشنا اپس مطلب لگ بھگ ایک انڈائس پڑوان کے ہمارے باسی سیو دین پھٹ سے جب نشن پاد یہ باسی نہیں ہے یہ قدم ہے تو یہ انچ یور اٹمی تن شے لائک مگر تور شاہ سیٹ لائک انچ تروا میل بے چھ گچھو واپس مشین چدھے میں لے کے ترام بدراو زورے پان کے مشین خوشی سان گچھو یم کسنا پرمننٹ توڑ کے یمن چھ بے واپس ہندوستان کے بدھی جینوں کو اوپن جو اوپینین میکرز ہیں ان کو اس بات پر گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ میری دیوالی رنگولی آنگن میں ڈال کر وہاں منائی جائے گی یا مجھے یہ کہا جائے گا کہ کھڑکیاں بند کرو پردے ڈالو اور اندر دو تین دیے جلاؤ سیکولرزم کے لیے اتنا کافی ہے مجھے اور میری بیوی کو واپس لے کر ردھ آشرم میں شفٹ کر کر یہ کہیں گے کہ یہ دیوار کے اندر تمہارا ہے یا ہندوستان کے مستقبل کو وہاں لے کر جانا ہے یہ فیصلہ ہندوستان کی سرکار کو ہندوستان کی اس پارٹی کو جو سرکار جس کی سرکار چل رہی ہے ہندوستان کے بدھی جیویوں کو ہندوستان کے اوپینین میکرز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا مشا اجازت ورلڈ کپ زیننس پہ مشید زالنس کن مشون بچس گبریا اتن چھ شش دور کنما یہ یکن پان روز یہ فیصلہ ہونا چاہیے چونکہ مودی صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بھاشنوں میں انہوں نے بہت بار کہا کہ ہندوستان کے بہت سارے لوگ اب یہ سوچ رہے تھے کہ میرا کیا مجھے کیا جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دیوار کو گرایا گیا 128 پارلیمنٹ ممبروں نے میرا ذکر کیا اس میں لیکن میرا کیا یہ کبھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور یہ فیصلہ میں مانتا ہوں تبھی پورا ہوگا جب مارگ درشن ان کا ریزولوشن ان لیٹر اینڈ سپرٹ لاگو ہوگا جموں کشمیر تب شاید 15ویں پد چن مجھے نہیں دکھائی دیں گے تب مجھے ہندوستان کا پورا مستقبل جموں کشمیر میں دکھائی دے گا کشمیر میں خاص کر پوری طرح سے دکھائی دے گا تب مجھے لگے گا کہ میرے بچوں کا بھی مستقبل وہاں ہے مجھے ورد آشرم میں نہیں جانا ہے اور مونکا جی نے یہ ایک رٹ فائل کی جو انہوں نے جیتی اور جس کے کارن آج یاسین ملک کا کیس جموں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور یہاں چل رہا ہے اور یہ آج سی بی آئی کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہے بہت دیر سے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا تھا تب تک کوئی بھی ایکیوزڈ اتنی فریلی نہیں گھوم سکتا بی بی سی پہ بیان دینا ہاں میں نے مارا ہے ہاں میں نے یہ کلنگز کی ہیں اور پھر بھی وہ ایکیوز گھوم رہا ہے یہ بنا پیٹرنیج کے نہیں ہو سکتا بہت جدوجہد کورٹ میں کوئی تقریباً 5 گھنٹے آرگیومنٹ چلا وہاں سے ظفر شاہ صاحب یاسین ملک کے وکیل اور 15 وکیل یہاں سے ہم کوئی کم سے کم 5 گھنٹے ہم نے آرگیومنٹ کیا اور فائنلی ہم سکسیڈ ہوئے اور آج اس کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے This is one achievement. Second, آج مجھے بہت یہاں بیٹھ کے کیونکہ میں سب کو سن رہی ہوں خوشی سی ایک محسوس بھی ہو رہی ہے کیونکہ ایک سکون سا چہرے پہ ہر ایک کے نظر آتا ہے ایبروگیشن آف نیوٹرلائزیشن آف آرٹیکل 370 دیٹ ہیز گیون اندر رے آف ہوپ کہ جو مارگ درشن کی ریزولوشن تھی اس میں جیسے میں نے ابھی سنا اب 90% اس کا سب ریزولوشن کا ہم نے اچیو کر لیا ہے اب 10% ہی باقی ہے تو وہ سکون ہر ایک کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے آرٹیکل 35A کا ایبروگیشن سے اور نیوٹرلائزیشن آف آرٹیکل 370 کی وجہ سے ہم اس کرش پہ ضرور نریندر مودی جی کو دیں گے اور امت شاہ ہمارے گرہ منتری کو دیں گے ضرور اس میں 56 انچ کی چھاتی کی ہی ضرورت ہے ایسا فیصلہ لینے کے لیے پر ہمیں ڈاکٹر ٹینگ
जिन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम किया, उनकी कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत जो इस पे हुई वो उनके कार्य से हुई, उन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया और आज नतीजा ये है कि आर्टिकल 370 न्यूट्रलाइज हो गया और आर्टिकल 35A हैज बीन एब्रोगेटेड। तीसरा जो बहुत मैं जो मुझे अभी अंकुर ने भी डिस्कस किया, जेनोसाइड। हमें, क्योंकि मैं हमें बोल रही हूं बिकॉज आई एम अ कश्मीरी पंडित बाय चॉइस, हमें माइग्रेंट्स कहा जाता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई माइग्रेंट्स। क्या हम अपनी मर्जी से माइग्रेट हुए हैं? क्या हम किसी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से माइग्रेट हुए हैं? क्या हम किसी और सोशल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कोई ऐसी वजह से माइग्रेट हुए हैं? नहीं, हमें निकाला गया है, हमें मजबूर किया गया है, अपने ही घर को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हमारा ये 7th एग्जोडस है और ये 7th एग्जोडस 700 सालों में 7th एग्जोडस ये ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में है, हम एक सेकुलर कंट्री में है और तब भी हमारे साथ ऐसा होता है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पे हमें सोचना है। NHRC में अब जेनोसाइड, हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, इससे ज्यादा शिक्षित कम्युनिटी आपको कम ही कहीं मिलेगी। जेनोसाइड से ज्यादा बड़ा हीनियस क्राइम कोई नहीं है। ये वो क्राइम है जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को अटैक किया जाता है। मैं बहुत सीधे और साधारण अल्फाजों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि किलिंग्स ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देना कि उनको बॉडीली हार्म होगा, उनको मेंटल हार्म होगा, वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड टू प्रूव अ जेनोसाइड? इट इज अ प्रूवन केस, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। जब आपके मस्जिदों में ऐलान हो गए, आपके अखबारों में इश्तिहार निकल गए, कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर इश्तिहार लगा दिए गए, इससे ज्यादा प्रूवन केस क्या होगा? और NHRC में ऑलरेडी इट हैज बीन एडमिटेड, इट इज एथनिक क्लिंजिंग अकिन टू जेनोसाइड। व्हाट इज अकिन टू जेनोसाइड? इट इज अमाउंटिंग टू जेनोसाइड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड अ मर्डर इन लीगल लैंग्वेज, इट इज अ जेनोसाइड। और हाल ही में जब JKLF को बैन करना था तो एडमिट किया गया कि इट्स अ जेनोसाइड। सो व्हाट नेक्स्ट? जब आपने एडमिट कर लिया ये जेनोसाइड है, वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, यू हैव एडमिटेड इट, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन, व्हाट इज लेड डाउन, क्या लिखा गया है, उसको किस तरह से कानून को इंप्लीमेंट करना है। यूनाइटेड नेशंस प्रिवेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से कमेटी बनानी है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन नाउ। We don't want any more acceptance to this word of genocide. It is a genocide because intention was clear. Intention to kill the people, intention to rape the ladies was clear and is clear enough. So we don't need any more acceptance. We want implementation of the same. और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि पनून कश्मीर के efforts को, मतलब ये ऐसे एफर्ट्स हैं जो स्टेट आपके खिलाफ, यूनियन आपके खिलाफ, आपके परपेट्रेटर्स आपके खिलाफ, फिर भी आपकी इस कंसिस्टेंसी और आपकी इस परसिस्टेंट अप्रोच ने आज मजबूर कर दिया भारत सरकार को, शर्मा जी की लैंग्वेज में ही बोलूंगी, चाहे वो एक्नॉलेज करे ना करे, मजबूर कर दिया आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, 35A को एब्रोगेट करने के लिए। Next, I think we have to work on reversal of genocide. Because denial of genocide will amount to double genocide. We don't want that. We want reversal of genocide. And Panun Kashmir, I think with the speed and the pace, though 30 saal lage, is cheez ko hume yahan tak pahunchne mein, but
Definitely, a ray of hope has arisen amongst every Kashmiri Pandit and every nationalist that definitely justice will be done. Thank you. Thank you. Our Margadarshan resolution, codification of Jammu and Kashmir, तो उसमें एक क्लास रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड भी है जो अभी एड्रेस नहीं हुआ है और उसके लिए हमें रास्ता ढूंढना होगा आगे चलना होगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री किरालाल भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें मंच पर विराजमान श्रीमती मोनिका गोल जी गोली डॉक्टर शवा गोल पनम कश्मीर के हमारे मशल राह रास्ता दिखाने वाले चेयरमैन प्रेसिडेंट डॉक्टर अजीत चुंगू जी डॉक्टर अग्निशेखर जी जो हम सबके लिए एक मार्गदर्शन हमेशा करते आए हैं पनम कश्मीर के आप चेयरमैन हैं और श्री भूषलाल भट्ट जी जिन्होंने अभी अपना एक तेजस्वी भाषण दे दिया और आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं नमस्कार आज से ठीक 30 वर्ष पहले आज के ही दिन कश्मीर में उस बर्बादी का आगाज हो गया जिसको हम सब ने बाद में झेला आज के दिन हमारे समाज में एक प्रखर राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उस समय के उपाध्यक्ष टिकालाल जी टपिलू को दिन दहाड़े उनके निवास स्थान के बाहर ही आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दी और उन आतंकवादियों ने ये बिगुल बजाया कि कश्मीर में वो जो बहुत समय से हमारे ऊपर आघात होते चले आ रहे थे अब उन्होंने सीधे तौर पर आर्मड स्ट्रगल शुरू की थी और हमको निशाना बनाया उस वक्त कई लोग भ्रम में रहे कि शायद वैचारिक मतभेद होने के कारण चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है तो इसलिए शायद उनको निशाना बनाया गया लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा नीलकंठ गुंजू उनकी भी हत्या की नीलकंठ गुंजू एक जज थे उनका अपराध सिर्फ ये था कि उन्होंने मकबूल भट्ट जिसने जहाज का हाईजैक किया था उसको अपना जो जिम्मेवारी उसकी थी वो निभाते हुए उसको सजा सुनाई थी उसके बाद श्रृंखला चली और 27 दिसंबर 1999 जमानतनाग में उस वक्त के बुलंद सितारे जो समाज लेवल पर काम कर रहे थे एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मार्गदर्शक पंडित प्रेमनाथ भट्ट को बिल्कुल 4 बजे के करीब यही समय आसपास उनको मार दिया गया तब एक साफ बात सामने आई कि उन्होंने अब हमारे समाज में चाहे वो राजनीति में है चाहे एकेडमिशियन है चाहे कोई डॉक्टर है कोई स्टूडेंट है या आम आदमी सोशल एक्टिविस्ट उन सबको टारगेट बनाने का एक षड्यंत्र रचा ये वही तरीका था जो स्पष्ट रूप से लोग कहते हैं और जो हमने पढ़ा है वो जहाद जिसको वो कहते हैं टू किल वन इन सच ए बार्बरिक वे सो दैट द इंडियन टर्मिनोलॉजी इन्फिडेंस जो नॉन बिलीवर्स है जिन्होंने ईमान नहीं लाया है तो वो या तो भाग जाए या गोलियों का शिकार हो जाए उसके तुरंत बाद अलसबा अखबार में ये हेडलाइन आई कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाले वाले कश्मीरी पंडित 2 दिन के अंदर अंदर वादी छोड़ के चले जाए वरना
भुगतने के लिए तैयार हो उनको गोलियों से मार दिया जाएगा, भून दिया जाएगा। ये षड्यंत्र सीधे 1990 में ही नहीं, हमने तो बहुत पहले भी झेल लिया था। अगर हम ज्यादा पीछे नहीं जाए तो 1931, जिसकी अभी अपने उद्बोधन में अंकुर शर्मा जी ने बात की, 13 जुलाई, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। 1931 में भी हमने ये झेला, 1947 में भी झेला, और एक टेस्ट डोज उन्होंने असली दिया था 1986 में। लेकिन कहीं हम शायद गाफिल रहे। 1986 में जो अभी मेरी बहन कह रही थी कि जब तक जो रूलर्स थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, जिनकी वजह से हमें धोखा लगा, वो भी ओवरटली इस आतंकवाद या इस जो मुस्लिम एक मानसिकता थी उसके साथ थे, परोक्ष रूप से साथ दे रहे थे, उसकी उसका प्रमाण हमें मिलता है गुलशाह की हुकूमत से। इसी जम्मू में एक सरकार की ही तरफ से सिविल सेक्रेटरी में एक मजहबी उन्माद खड़ा किया गया, और उसका फैसिलिटेटर वो उस वक्त का सीएम था। उसके फलस्वरूप यहां थोड़ा माहौल खराब हो गया, यहां मुलाजिमों ने तुरंत जो श्रीनगर के थे वो वापस श्रीनगर की तरफ रवाना हुए और अफवाह ये फैलानी शुरू कर दी कि वहां लाशों की गाड़ियां आ रही। और उस वक्त विक्टिम बना खासकर अनंतनाग पुलवामा, क्योंकि वो जो कबायली रहे था तब ये कुपवाड़ा बारामूला सारा एरिया ज्यादा विक्टिम था, इसमें ज्यादा अनंतनाग पुलवामा बड़गाम ये सारा एरिया जो है विक्टिम बना। और उस वक्त भी हमारे मंदिर जलाए गए, जो कुटहारों में दान पड़ा हुआ था, फसल पड़ी हुई थी उसको जलाया गया, जिन मंदिरों में शिवलिंग नहीं तोड़ पाए धनों में उस मंदिर में घास भर करके उसको जलाया गया ताकि वो गर्मी से शिवलिंग फट जाए। ये घटनाएं अलग नहीं थी, और सहज रूप से जब हमारे घरों में कोई काम पर आता था, कोई मैसन काम पर आता था, तो वह कहीं मजाक में कहता था, पंडित जी ये एक कमरा मेरे हिसाब से बनाओ, आपने तो जाना ही नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या बोल रहा है ये लेबर, ये मैसन क्या बोल रहा है। अंदर अंदर से ये बात चल रही थी। और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में धारा 370 के आड़ में वो लगातार इस षड्यंत्र को चलाते गए। उनके लिए ये एक ऐसा ग्राउंड था जहां पर उन्होंने इस सेपरेटिज्म को, इस आतंकवाद को जन्म दे दिया, उसको उन्होंने समर्थन दे दिया। उस उन युवकों को वहां पीओके में भेजकर उनको ट्रेन करके वापस भेज दिया। हम सब देखते रहे, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। कहीं लोग कहते हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि समय के साथ साथ बहुत सारे भ्रम टूट गए। मैंने कहीं ऐवानों में, कहीं बैठकों में कभी ये पीड़ा सही है, जब हमें कहा जाता था कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाए, अब कमजोर निकले, हम हमारी जबान अटक जाती थी, कैसे समझाए इनको। लेकिन वक्त ने करवट बदल ली, आज पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि कश्मीर में किस तरीके की साजिश चल रही थी, और ये कितने हिम्मत वाले थे, ये कितने धैर्य वाले थे, कितने बहादुर थे, जो इतना इतनी घटनाओं के बावजूद भी वहां रह रहे। आज तो वो हमें सलाम करते हैं, आज वो सलूट करते हैं कि यार इन हालात में भी इन्होंने अपना जीवन वहां निभाया। लेकिन क्या नाड़ी मर्ग के लोगों ने फिर भी चुना था वहां ही रहना? होम शाली बुक के एक राइटर सर्वानंद कोल प्रेमी, उसको धोखा लगा, उसने कहा कि मैंने इनको पढ़ाया है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का कश्मीरी अनुवाद भी किया था, लिटरेरी फिगर थे वो, उन्होंने लगा कि बच्चे मेरे हैं, मैंने पढ़ाया है इनको, मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा।
जब उसके घर वो आए, उनको डराया धमकाया, उनको कहा कि मास्टर जी को हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, वापस भेज देंगे आपके पास, आप अपने लड़के को भी इनके साथ भेज दीजिए, इनको वापस भेज देंगे। वो दोनों गए। दूसरे दिन सुबह दोनों, बाप भी और बेटा भी, दरख्त से उल्टे लटके हुए मिले। और शव की हालत क्या थी, आंख जो तिलक की जगह यहां पर सरिया जो होता है वो गर्म करके घुसा दिया, आंखें निकाली हुई थी उनकी। इस वाज टाइप ऑफ पार्ट, इस हालात कि जिसने वहां चाहा भी मैं रहूं, उनके साथ ये हाल। दूसरा उदाहरण, एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल था प्राइवेट कॉलेज का, उसको अपनी स्टाफ ने बोला कि आप बैठो, उसकी मिसिस भी दूसरे स्कूल में हेडमास्टर, समझाया उनको आप बैठो, आपके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। भ्रमित हो गए, बैठ गए। थोड़ी दिनों के बाद उसकी मिसिस जब क्लास में लेक्चर दे रही थी, गोली आई खिड़की से, इत्तेफाकन वो उसी वक्त चाक उठाने के लिए झुक गई, वो गोली फ्रंट लाइन पर बैठे हुए स्टूडेंट को सीधे माथे पर। उसके बाद वो निकल आए। ये घटनाएं हम कैसे भूल पाए? हम शायद कई बार इतनी जो भरभरियत थी इन घटनाओं को भूल जाते। मेरा मानना है कि जब तक इन जख्मों को हम ताजा नहीं रखें, हमें इन जख्मों को करेदना कुरेदना पड़ेगा, इन पर शिकार जमने नहीं देना, इन जख्मों को हरा भरा रखना। यही जख्म हमारा जो भविष्य है उसके लिए हमारा रास्ता प्रशस्त करे। अगर हम भूल गए और हमने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, जैसे आवाजें कई बार आती है और हम सब विचलित हो जाते हैं कि कुछ लोग जाकर के हुरियत के आसपास मंडराते हैं, कुछ सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स आकर के अपनी बात रख जाते हैं, कोई स्पॉन्सर कहीं से किए जाते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। और अभी जो पहले वक्ता ने हरिसेन सिंह ने कहा कि आपके कौम में भी कुछ लोग थे जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, ये भी बदकिस्मती है। यह अच्छा हुआ कि हम पनून कश्मीर ने कुछ तुरंत बाद जब यह घटना हुई, लगभग 1000 हस्ताक्षर लाए पूरे देश से, टॉप फिल्म मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट्स, उन सबके हस्ताक्षर लाए इस बात को एड्रेस करने के लिए कि वो जो पंडित आप देख रहे हैं वो पंडित नहीं है, पंडित ये है जो धारा 370 के निरस्त होने के साथ जो इस चीज से खुश है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो ये धैर्य दिखाया, इतिहास बदल दिया। आने वाले युग में शायद हिस्ट्री ऐसे आएगी जम्मू कश्मीर की, 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 2019 से पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसे वो BC होता था, अब ये कुछ 5A बनेगा, 5th अगस्त, पूरी तरह से समीकरण बदल जाएंगे। कुछ ऐसी भी बातें होती है जो मजाक में भी होती है कई बार। अमित शाह को लेकर के परसों मैं एक डेंटल सर्जन के पास गया था, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, वो मेरे को देखते गए और लास्ट में कहा कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी दवाई देता हूं, हफ्ते 10 दिन तक देख लीजिए, अगर ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो अमित शाह कर लेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या बोलते हैं, कहते हैं एक ही तरीका है, जब ठीक नहीं हुआ कोई तकलीफ तो एक ही अमित शाह कर देंगे, उभार करके फेंक। जब कोई हिम्मत करता है तो उसके नाम से फिर हिस्ट्री लिखी जाती है। और विश्वास है इस बात का कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हमारे सामने है, जिसकी जब यहां पर ये दूसरा सेशन शुरू हो गया और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय दया जी ने कहा
कि हमने देखना है कि आखिर इस सेशन में फ्यूचर में हम करें क्या। यह ठीक है अनुच्छेद 370 खत्म हो गया, यह भी ठीक है पंक्ति से खत्म हो गया, यह भी ठीक है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन यह भी कहीं सोचना है कि आखिर हमारा है। कहीं बार मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता आया हूं, वहां कई बार जो होते हैं सुभाषित होते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो एक मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो हमेशा मैं दोहराता हूं, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजात वीरम बलम ददा देवो दुर्बल घातका। अश्वम नहीं घोड़े की नहीं, गजम नहीं नैव हाथी की भी नहीं, व्याघ्रम नैव नैव च, व्याघ्र होता है शेर उसकी तो कदाच नहीं, फिर बलि किसकी लगती है, अजात वीरम ये बकरी का जो बच्चा होता है यही बलि देवताओं को भी स्वीकार, यानी कमजोर बलि चढ़ जाता है, इसलिए कमजोर नहीं रहना, कमजोरी से निकलना है, और कमजोरी से निकलने के लिए दूसरा मंत्र पानुन कश्मीर ने दे दिया जो हम सब फख्र करते हैं, उत्तम हीन न सिद्धन्ते कार्यानी न मनोरथा न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृग, सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं मृग नहीं आता, संघर्ष करना पड़ता, और वो संघर्ष 1991 में उसकी नींव पड़ी थी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन से, तब से आकर हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं, आज मैं नहीं दोहराऊंगा, अपने पीछे जितने भी हमारे कुछ सम्मेलन हुए उनमें मैंने प्रमाण सहित ये सिद्ध कर दिया कि विभिन्न संस्थाएं भी जो है ईगो की वजह से वो सीधे स्पष्ट लफ्ज शब्द उच्चारण नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक ईगो रहता है उसमें, नहीं तो सभी का बेसिक रेजोल्यूशन यही है कि हम प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग जो कश्मीर में है उस तरीके से अब नहीं रह सकते, हम स्कैटर्ड नहीं रह सकते, हम दो दो पांच पांच करके गांवों में अब नहीं रह सकते। तो दूसरा, हम जहां रहे हम कंपैक्ट कंप्रेहेंसिव रिटर्न रिहैबिलिटेशन विद रिटेंशन, ये लफ्ज बनाए जाते हैं बनते भी है, लेकिन इसका सीधा और स्पष्ट जो राजनीतिक स्लोगन दे दिया, और बड़ी खुशी है कि पॉलिटिकल स्लोगन अगर कश्मीरी पंडित समाज में सामने कोई आया सीधे और स्पष्ट रूप से, वो सीधा पानुन कश्मीर की तरफ से आया, होमलैंड। और हम सबको इस चीज का निर्णय करना है, ये सिर्फ यहां अभिनव थिएटर में आज जितना ये कार्यक्रम आवश्यक है ऐसा करना ठीक है, लेकिन हम सबके सामने मेरे सामने आप सबके सामने एक चुनौती है, गर्मी का मौसम निकल गया, अक्टूबर महीने में अब शादियों का सीजन शुरू होगा, गरज संसार दर्शन मजदा उन जगहों पर आप देखेंगे सिर्फ डिस्कशन लगेगा, दारा 370 होमलैंड यूनियन टेरिटरी, और कई बार मैंने देखा कि अपने जो समाज में प्रतिष्ठित या जिनको पता भी होता है आम नागरिक जो वेल इक्विप्ड है तो कई बार कतराते हैं, वहीं पर छुपे मिस बुझ लो, ऐसा नहीं कर रहे हमने, ये जो कॉर्नर मीटिंग्स होती है, ये जो ओकेजन्स होते हैं जहां पर लोग जमा होते हैं, चाय की चवान 32 जवान प्लेट्स मंच सिंफर लगा के तुले कात कात करान, बट वहां पर अपनी बात को रखना है, वहां पर अपनी बात को समझाना है कि ठीक है यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, बट यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमें अपना भी भविष्य देखना है, और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ एक बात और हो गई जो अभी भूषणलाल जी ने कहा, मेरा भी उसके साथ एक समर्थन है, आम जो कश्मीर में रहने वाला मुसलमान है जो पड़ोसी था हमारा या अभी भी है
उन्होंने एक बात जैसे 1990 में चलाई, चाहे कितना भी बड़ा वो बुद्धिजीवी क्यों ना हो, रियलिटी मानता भी हो जानता भी हो, तब भी वो हमें कहता है कि तो ही पेड़वना असली जम्मू ने। ये जो बेसिक नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया कि हमारा वहां से पलायन जगमोहन के कारण हो गया, उसी तरीके से दूसरा नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया, हालांकि उसकी हमें खुशी भी होती है। आज वहां एक नैरेटिव नया है कि धारा 370 नहीं हटता, ये आह बढ़तू की वजह से आपने धारा 370 तोड़ खत्म किया। हमें खुशी है, कामयाबी है, लेकिन साथ साथ एक चैलेंज भी है हम सबके लिए कि क्या इस बदलती परिस्थिति में भी अब हम स्कैटर्ड रह सकते हैं। मैंने अपने जमीन पर जाना है, सब्जी जहां बनाता हूं वहां जाना है, नदी पर जाना है, पूजा करनी है, पानी लाना है। मैं उस गांव में 8 या 10 घर होंगे, जहां से निकलूं वहां से कहेंगे ओ बेटा वहां 73 फुटो थो मंजा करने आके वो वी कैन नॉट रेजिस्ट। इसके बाद और इस चीज का समर्थन बनता है कि किसी भी तरीके से हम स्कैटर्ड वहां नहीं रह सकते। इसको जितनी देर हम शर्म करें होमलैंड बोलने में उतना हम देर करेंगे। इसलिए आने वाले दिन के लिए जो हमारे लिए चैलेंजेस है वो ये चैलेंजेस है कि हम कैसे पहले खुद मुनज्जम हो जाए इस स्लोगन के पीछे, अपनी लीडरशिप के पीछे। ये भी जरूरी है कि जब तक हम लीडरशिप पर विश्वास ना करें तब तक बात नहीं बनती। हमें उनकी तरह अनपढ़ लीडर्स नहीं है, मौलवी लीडर नहीं है, हमारे तो भगवान ने पढ़े लिखे लोग दिए हैं लीडरशिप करने के लिए। हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। लीडरशिप पर विश्वास, स्लोगन पर विश्वास और अपने लक्ष्य पर विश्वास। वो कहते हैं ना, गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। हम कर्मवीर, हम जीत और हार से नहीं घबराए, हम चले और सीधा स्पष्ट जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर हो जाए। हमें होमलैंड के लिए जो कश्मीर में हमें एक चैलेंज ये भी है कि अगर आने वाले वक्त में कभी पूरी भारत सरकार को हम अभी शक नहीं करेंगे लेकिन भरोसा भी नहीं है, लगा कि J&K को वापस स्टेट का दर्जा देना है तो हम वापस भी गए होंगे, फिर हमारा भविष्य कैसा हो गया। इसलिए होमलैंड के साथ साथ वो गार्डेड स्टेप्स जो हमें हमेशा के लिए वहां, जो शमाई जी ने अभी अपने शब्दों में, उन पर तो माँ सरस्वती की कृपा है, जो शब्द इनके पास हो, जो शिव दर्शन के इन्होंने यहाँ पर हमारे सामने बात रखी, उसके लिए एक अलग सेमिनार होना चाहिए था। तो उन्होंने रखा कि कैसा मेरा वो होमलैंड हो जहाँ पर हर किस्म की डेवलपमेंट हो, जहाँ पर हमारे बच्चे फले फूले, जहाँ पर इकोनॉमी अपनी हो, जहाँ पर हमारी शिक्षा के केंद्र अपने हो, ये ऐसा होमलैंड उसके लिए हमने आज से ही कदम उठाना है। क्योंकि आज जो मेन मुद्दा था वो शहीदी दिवस था। मेरा फिर आपसे आग्रह यही रहेगा कि हम, मैंने तो पर्सनल एक रिजॉल्व किया है और आज तक उस पर डटे हुए खड़ा हूं मैं 3 दिन हमेशा 90 से लेकर आज तक कैजुअल लीव एंटर करता हूं। 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट, 14 सितंबर मार्टियर्स डे और 27 दिसंबर चेतना दिवस, ये मैंने पर्सनल रिजॉल्व किया है। चाहे कोई फंक्शन हो ना हो, कहीं सेमिनार हो ना हो, सिंबॉलिक 19 जनवरी हॉलोकॉस्ट डे के दिन मैं किसी जगह सड़क पर बैठता हूं। ऐसे हम सब ने भी जब हम एक एक करके कोई रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता आने वाला दिन एक बड़ी मूवमेंट को जन्म देगा जिसमें हम सबका समाधान होगा। ये कहकर के मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वी वांट होमलैंड, वी वांट होमलैंड, वी वांट होमलैंड।
पन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर जम्मू जी को विनती करूंगा कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, मार्गदर्शन करें। नमस्कार, मंच पे विराजमान गुरु स्वरूप मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर डॉक्टर अग्निशेखर, डॉक्टर क्षमा जो गुरु स्वरूप आई है, हमेशा हमको कोई ना कोई अपने उद्बोधन में शिक्षा देके हमेशा चली जाती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भूषणलाल जी भट्ट जो इतने साल से हमारे साथ जुड़ के एक आम भाषा में, लोक भाषा में पन कश्मीर का जो अभियान है समाज तक पहुंचाते आ रहे हैं और समाज कैसे सोच रहा है इसका एक बहुत सहज रूप से वर्णन करके हमको चेतावनी देते हैं। हमारे साथ जुड़ी इस बार हमारी बहन मोनिका कोहली जी, क्योंकि इस शक्ति संचय के काम में जो जब आपके साथ कोई जुड़ता है उसी कन्विक्शन के साथ, उसी संकल्प के साथ जो आपका खुद का है, तो आपकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। और मेरे भाई, जिसको कहिए समाज में हम संघर्षरत सहपाठी के रूप में हीरालाल जी भट्ट, हमारे साथ पिछले दो तीन इतने साल से तो बहुत से ऐसे कार्यों में इकट्ठे काम किया है, लेकिन खास तौर से पन कश्मीर से संबंधित पिछले दो तीन साल से हम बिल्कुल एकजुट होकर अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं। और ये भी हमारी शक्ति बढ़ रही है, उनका हमारे साथ रहना एक उस बात का सूचक है। कुछ बातें सहजता से समझनी है। क्या धारा 370 35A हटने से और यूनियन टेरिटरी बनने से पन्नू कश्मीर की डिमांड इरेलेवेंट हो गई? हमारे कश्मीर घाटी में यूनियन टेरिटरी बनाने की बात, इसका महत्व घटा है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, और जो लोग ऐसे सोचते हैं उनको लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर पे एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। अब किसी तरीके से हमको इस वर्डिक्ट के साथ आत्मसात करना चाहिए, इसके साथ रिकंसाइल करना चाहिए। जब हमारे सामने भी ये परिस्थिति आई कि सहजता से स्वतः डॉक्टर अग्निशेखर बैठे थे कि हमको समाज के सामने, प्रेस के सामने पहली बार बात करनी है, तो क्या बात करें? और ज्यादा सोचे समझे बिना हमने एक बात कही, ये पहला डिसाइसिव स्टेप है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसका निराकरण करने का, उसका प्रतिकार करने का, जो भी यहाँ पे अलगाववाद के नाम पे चल रहा है उसको ध्वस्त करने के लिए हमको लगा कि ये पहला एक डिसाइसिव स्टेप है। और दूसरी बात हमने कही कि ये एक एपोकल चेंज है, जैसे युग परिवर्तक एक चेंज है, ये आ गई है, जैसे युग बदल गया। और ये बात भी बिल्कुल सोच सोच के हमने कही, और साथ में ये भी कहा कि ये भारत का पुनर्जन्म है। ये भारत का पुनर्जन्म क्यों कहा हमने, इस बात को पहले समझना। उस भारत का जिसका उदय 47 में हुआ पार्टीशन के बाद,
ये जो भ्रम था, इतने साल जिस भ्रम को हमने पाला कि हम आजाद हो गए हैं, और हर साल इस भ्रम के नाम पे हम आजादी का जश्न मनाते थे 15 अगस्त को। इस आजादी को समझना चाहिए कि इसकी वाबस्तगी, इसका रिलेशन धारा 370 के साथ क्या है। 30 लाख लोग कहते हैं, 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए 47 में पार्टीशन का हॉलोकॉस्ट जिसको कहते हैं। पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया के पीछे 30 लाख लोग मारे गए, और भारत के नेताओं ने कहा कि अब जो ये भारत बनेगा, ये सहिष्णु सेक्युलर इंक्लूसिव इंडिया बनेगा। अगर किसी ने ये बात सोच ली है कि भाई धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और हम उस वक्त के हालात को देखते हुए उस राष्ट्र के निर्माण होने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाए, तो फिर भी जो ये भारत रह गया, ये एक इंक्लूसिव इंडिया रहेगा। यहां पे सब बराबरी के आधार पर रहेंगे, और इस इंडिया में धर्म के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा, रिलीजन के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा, मजहब के आधार पे पावर शेयर नहीं होगा, क्योंकि स्वतः मजहब और धर्म को पर्यायवाची रूप में लेते हैं। आपसे क्षमा लेता हूं, धर्म एक बहुत बड़ी बृहद कल्पना है, मैं नॉर्मल पॉलिटिकल पार्लेंस की बात कर रहा हूं। पावर शेयरिंग विल नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिनोमिनेटर, रिलीजन विल नॉट डिटरमिन द पॉलिटिकल पावर शेयरिंग इन दिस कंट्री। ये सेक्युलरिज्म का एक आधारभूत एक स्तंभ था, बेसिक था, कि यहां पे हम धर्म के आधार पे नहीं कहेंगे, धर्म के आधार पे हम पावर नहीं करेंगे, सत्ता नहीं चलाएंगे। और ये जो ये भारत था, जिस भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय 24 अक्टूबर को हुआ, धारा 370 ने इस भारत की कल्पना को भी विकृत कर दिया, मसल दिया, खत्म कर दिया। धारा 370 ने इस भारत को एक गुलाम देश के रूप में परिवर्तित कर दिया, और ये गुलामी इट वॉज ए वॉलंटरी स्लेवरी। कुछ लोग बोलते हैं ऑटो कॉलोनियलिज्म, हमने एक फ्रेमवर्क माना जो साम्राज्यवाद का फ्रेम था, हम खुद गुलाम रहे, खुद एक साम्राज्यवाद के कॉन्सेप्ट को अपने आप में हमने तोड़ा। जब मैं ये बात कह रहा हूं आपको, इसको समझिए, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जिस आधार पर पाकिस्तान बना, कि धर्म हमारा मुसलमान है इसलिए हमारा, हम एक अलग राष्ट्र है, जिस जम्मू कश्मीर का निर्माण धारा 370 के आधार पर हुआ, उसका निर्माण भी इसी प्रिंसिपल पे हुआ, क्योंकि यह मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए यहां पर अलग व्यवस्था होगी, यहां पे अलग कानून होगा, यहां पे अलग राजनीति चलेगी। और हमारे देश ने, हमारे देश के नेताओं ने कहा कि ये जो ये व्यवस्था है यही सेक्युलर व्यवस्था है, और अगर ये ठीक ठाक से चली तो यही सही मानों में आजादी भी है। खुद गुलाम होने की प्रक्रिया और भी ज्यादा एक विषम प्रक्रिया होती है, आपको कोई गुलाम बनाए जबरदस्त तो ये इतनी विषम नहीं होती है। आप कभी बल का प्रयोग, कभी आप बल संचय करेंगे, शक्ति संचय करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, जागरूक करेंगे, तो इसमें एक आशा रहती है कि कल को आप इस गुलामी से आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब आप एक खुद आजादी के नाम पे गुलामी का एक पर्सपेक्टिव खड़ा करो, इससे मुक्ति कैसे? देश की धरती पे एक पाकिस्तान बनाने की प्रक्रिया को हमारे नेताओं ने कहा कि ये तो टू नेशन थ्योरी का रेफ्यूटेशन है,
पाकिस्तान की सोच का ही निराकरण है, ये उसका प्रतिकार है, ये उसका नकारना है। भारत की ही धरती पे एक पाकिस्तान का निर्माण करना, इसको उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान का रिजेक्शन, इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ी स्वतः गुलाम होने की उद्घोषणा और क्या हो सकती है। तभी हमने कहा जब धारा 370 हटाया गया, निरस्त किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, हमने कहा कि ये पुनर्जन्म की उद्घोषणा है हमारी आजादी। मैं आपको बताऊं, बहुत बार जब आपके साथ बात करने का मौका मिलता है, मैं बहुत बार कहता हूं कि जिस तरीके का सेक्युलरिज्म इंडिया में है, ये एक साम्राज्यवाद को अपने आप पे थोपने की एक तरह, खुद ही आप गिल्टी बन जाते हो, खुद ही आप किसी को विक्टिम बनाते हो। पार्टी स्टेट को अलग व्यवस्था होनी चाहिए, हमने उसको सेक्युलरिज्म कहा। और धारा 370 के हटने से, जिसको आप, फिर से मैं कहूं, स्वतः ही अपने आप में साम्राज्यवाद थोपने की जो एक कल्पना है, सोच है, एक तरीका है, एक आदत है, एक निकम्मापन है जो ये है, ऑटो इंपीरियलिज्म, इसको भी आपने छोड़ दिया, लिटिल लव पे खत्म हो गया। तभी एक एपिकल चेंज थी, तभी पानून कश्मीर ने इसको वेलकम किया। खुद उतना सहमत नहीं था जिस तरह का विचार, जिस तरह की जस्टिफिकेशंस पार्लियामेंट में दी गई, धारा 370 क्यों हटाया गया, बहुत खुश होता कि अगर हमारे प्रधानमंत्री और अगर हमारे होम मिनिस्टर ये कहते, गुलाम कर दिया था हमको आप, धारा 370 ने देश को ही गुलाम, धारा 370 पाकिस्तान बनने की मोमेंट का एक, पाकिस्तानी मोमेंट की एक कंटिन्यूएशन थी। इट वॉज द कंटिन्यूएशन ऑफ पाकिस्तान मोमेंट। पाकिस्तान मोमेंट डिड नॉट स्टॉप विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 370 कंटिन्यूड इट। हमने इसको रोक दिया आज ये कहते, और मैं आशा करता हूं ये कहेंगे, और ये आशा इसलिए करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया। ये कदम लेने से पहले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देता। एजेंडा ऑफ अलायंस के आधार पर जब सरकार बनी तो मुझे लगा तो हम तो बहुत एक विकृत राष्ट्रवाद का सामना कर रहे हैं, एक अजीब तरीके का परवर्टेड कल्चरल नेशनलिज्म हम देख रहे हैं। और ये तो और भी शिद्दत से, तेजी से हमको गुलाम बनाया जा रहा है। सच बात है, ये आशा नहीं थी कि ये होगा, और जब ये हुआ तो कभी कभी आपको गलत होना कितना अच्छा लगता है, ये एहसास हुआ कि हम गलत थे। और अभी अगर इस बात को कहेंगे कि ये ऐसा सोच नहीं रहे होंगे तो उतना हम ज्यादती नहीं करेंगे, शायद सोच रहे होंगे, अब इतना सोचा तो ये भी सोच रहे होंगे। हालांकि एक बात है कि जिस तरीके की एंगेजमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंडियन स्टेट को करनी चाहिए जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, वो एब्सेंट है, वो टोटली एब्सेंट है। शायद अपनी पार्टी में भी वो उस तरीके की तैयारी नहीं है, बाकी लोगों की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये हुआ है, दरवाजा खुला है, एक नई प्रक्रिया आरंभ हो गई है जिसकी इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है वैचारिक स्तर पे। मैंने कहा ये भारत का पुनर्जन्म है, वैचारिक स्तर पे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की मूवमेंट को पहली बार रोका गया है, मल्टीपल पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया को पहली बार कहा गया कि अब कितना इससे ज्यादा नहीं, इसलिए हम जुड़ गए इसके साथ। एक दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा किस तरह खुल गया, एक उस कश्मीर के उस कश्मीर की तरफ वो दरवाजा खुल गया जिस कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया है, जिस कश्मीर में गजवाए हिंद के सोल्जर्स सिपाही आजकल बन रहे हैं, जिस कश्मीर में, इसको आप कहिए, पूरे समाज का
एक इस तरीके से एक गलबे में लिया गया है, उस कश्मीर की तरफ दरवाजा खुला है। इसलिए कश्मीर की तरफ दरवाजा खुला और हमको किस कश्मीर की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, उसके लिए कश्मीरी हिंदू समाज के लिए बहुत क्लियर कट एक बात है। इतना सब कुछ हो गया पानून कश्मीर की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से एक बात की उद्घोषणा होनी चाहिए कि अब इस सरकार को जिनोसाइड को फॉर्मली मानना चाहिए। जाति संहार हुआ, टोकनिस्ट रिटर्न, सिंबॉलिक रिटर्न, ये हम नहीं मानेंगे, ये गलत है, ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात को, इस बात की इंप्लीकेशन कितनी है और कितनी जिम्मेवारी है, इसके लिए मैं आपको एक इससे थोड़ी सी भिन्न एक बात कहना चाहता हूं। जब ये बात चल रही थी कि 370 हटेगा या 335A हटेगा, तो एक आर्टिकल आया, बड़े बड़े प्रखर एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हैं सुशांत सरीन के, आपने आर्टिकल पढ़े, तो सुशांत सरीन का कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा कि भाई हम सुन रहे हैं कि ट्राइफर्केशन होगी, और अगर ट्राइफर्केशन होगी तो इसका मतलब तो हुआ तो कश्मीर तो हमने पाकिस्तान को दिया। इसलिए ये गलती ना करे इंडिया कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दे। और जो जिस व्यक्ति की मैं बात करता हूं, ये ल्यूटियंस क्लास का व्यक्ति नहीं है, ये गलत व्यक्ति नहीं है, ये एक राष्ट्रभक्त है और इस्लामिक एक्सपेंशन को समझता है, इस्लामिक टेररिज्म को समझता है। तो हम अगर जम्मू को कश्मीर के साथ रखेंगे तो इससे कश्मीर न्यूट्रलाइज होगा। यही बात थी जब हमने नेहरू का सपोर्ट किया कि भाई नेहरू उड़ी में रुक गए तो जम्मू कश्मीर में तीन बाग रहे, एक लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, एक जम्मू हिंदू मेजॉरिटी, एक कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी, और इन तीनों के इकट्ठे होने को हमने कहा कि ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, एक मिनी इंडिया बन गया। और स्ट्रेटजिक लेवल पे ये सोचा कि भाई कश्मीर ज्यादा नहीं, जिसको कहते हैं उछल सकता है, क्योंकि जम्मू और लद्दाख इसके साथ है। तो हमने समझा उस वक्त स्ट्रेटजिकली इसको जस्टिफाई किया कि काउंटर बैलेंसेस, कश्मीर का एक काउंटर बैलेंस लद्दाख है, जम्मू है, और इसके कारण पॉसिबिलिटी है कि यहां पे एक सेक्युलर सिस्टम का निर्माण हो, यहां पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का निर्माण हो। यह इसलिए नहीं हुआ, इसमें अपना एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें अपना एक रैशनल है, लेकिन यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत सरकार ने इस सारे पर्सपेक्टिव को, जिसको मैं कहता हूं एक सैंड बैग पर्सपेक्टिव बना दिया या एक बंकर पर्सपेक्टिव बना दिया कि जम्मू हिंदू मेजॉरिटी जम्मू या बुद्धिस्ट मेजॉरिटी लद्दाख, ये भारत के लिए एक बंकर का काम करें या सैंड बैग का काम। तो वहां पे अगर कुछ एक्सप्लोजन होता भी है वो उसको रोकेंगे। हमारी राज्य सत्ता का रिलेशनशिप जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ यही रहा कि एक सैंड बैग के रूप में या एक बंकर के रूप में काम करेंगे। तो सारा पर्सपेक्टिव, जो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव था, ये पर्सपेक्टिव ऑफ एब्डिकेशन बना, जहां पे भारत सरकार ने 70 साल अपने ही लोगों को होस्टेज रखा, एक ऐसी राजनीति को जो देश के सत्ता का इस्तेमाल करके, देश की शक्ति का इस्तेमाल करके, चाहे आर्थिक शक्ति कहिए, चाहे मिलिट्री शक्ति कहिए, चाहे पॉलिटिकल पावर कहिए, इसका इस्तेमाल करके जो लोग देश को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हैं। और अभी तक मेरे ध्यान में एक भी स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट इंडिया में नहीं है, राष्ट्रवादी, जो ये समझता है कि दोनों में से क्या बेटर चॉइस है, एक राष्ट्रवादी समाज को सुदृढ़ करके अलग करना एक ऐसे इन्फेक्शन से जो वर्चुअली मैलिग्नेंट है,
या उसको रिकॉग्नाइज करना कि तू काउंटर बैलेंस है, फिर तेरी प्रोटेक्शन, तेरी बहबूदी राज्यसभा की पहली जिम्मेवारी है। जम्मू तभी काउंटर बैलेंस बन सकता था, लद्दाख तभी काउंटर बैलेंस बन सकता था, कश्मीरी पंडित तभी काउंटर बैलेंस बन सकता था जब इंडियन स्टेट उनको एक्सपेंडेबल नहीं रखता, जब इंडियन स्टेट बाउंड्रीज डिफाइन करता कि भाई अगर आपने इन समाजों की, इन टेरिटरीज की ये बाउंड्री है, अगर आपने इसका अतिक्रमण किया तो ये देश के लिए युद्ध की परिस्थिति होगी। भारत सरकार ने इतने साल इन सब लोगों को होस्टेज रखा, एक कंट्रैक्ट किया मुसलमान के साथ, एक कंट्रैक्ट किया और उस कंट्रैक्ट पे सेक्युलरिज्म का लबाड़ा इसके तरीके से इसको इस्तेमाल किया। अब जो हो रहा है इसके बाद क्या भारत सरकार कुछ डिफरेंटली सोच रही है क्या? हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे लिए सिर्फ राजनीति नहीं। अगर भारत सरकार ये कहती है कि भाई अब इंडस्ट्री कश्मीर में होगी, अब जो कुछ भी अच्छा होगा कश्मीर में होगा, अगर दिमाग में अभी कश्मीर कश्मीर कश्मीरी है तो इसका मतलब है कि मुस्लिम स्टेट अभी दिमाग में जिंदा है और ये एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति का निर्माण होगा। क्योंकि अगर हमारे मकान पे कब्जा है किसी ने और हमसे जबरदस्ती उसने कागज दिखवा लिए और किसी तरीके से हमने वो कागज, वो जो हमने लिखवाया था वो वापस ले लिया, लेकिन हम मकान पे कब्जा करना, हम मकान में आना ही नहीं चाहते, मकान उन्हीं के हवाले रखना चाहते, तो मकान को कैसे आप आजाद कराएंगे? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम कहेंगे कि भारत सरकार की सोच उस पर्सपेक्टिव में चेंज हो गई, लेकिन समय है बेनिफिट ऑफ डाउट देने का, इंतजार करने का, चेताने का, अपनी बात कहने का और उनको कहने का कि अगर भले ही आपने हमारे तरीके से सिचुएशन को ठीक नहीं किया, अगर आपने उस तरीके से नहीं किया, लेकिन आप ठीक करने की दिशा में जा रहे हो, हम आपका साथ देंगे, हम उसके साथ रहेंगे और उस नई प्रक्रिया में जो चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को राष्ट्रभक्त होने के नाते एक हम उसमें क्या योगदान ले कर सकते हैं। किसी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा कि इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं, मैंने बोला कि सब नैरेटिव वॉर चल रहा है और नैरेटिव वॉर में दूसरा साइड अब डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहा है, अब वो सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहा है, अब वो बोल रहा है कि भारत जैसा जनतंत्र गणतंत्र क्या किसी प्रदेश को इतनी देर बंद रख सकता है। अब वहां पे बात चल रही है कि भाई ये जूनोसाइड की तरफ जा रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया तो अब और भी जबरदस्त तरीके से एज ए ऑक्यूपेशन पावर काम कर रहा है। इस नैरेटिव को चैलेंज करके, इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए भारत सरकार अभी हमको नहीं लग रही है तैयार है। मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी शायद कुछ कर ही नहीं रही है इस दिशा में। जब आप पार्टी डेलीगेशन आया, चिदंबरम होम मिनिस्टर थे, हम मैं और डॉक्टर अग्निशेखर वहां पे मिले, हमने हाथ जोड़े उनके सामने, हमने कहा कि कोई हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, कश्मीर में जो ये अभियान चल रहा है जिसको आप डेमोक्रेटिक इफर्विसेंस बोलते हो, डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोलते हो, ये एक रिलीजियस फैसिस्ट मूवमेंट है, ये वैसा ही अभियान है जिस अभियान ने जर्मनी में हिटलर को हुकूमत में लाया डेमोक्रेटिक तरीके से। इसके रिग्रेसिव स्वरूप को, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप सामने लाओ, चैलेंज ये है। आप ये नहीं समझो कि इस वक्त यूरोप भी इस्लाम की चपेट में, इसलिए यूरोप उनकी तरफ नहीं देखेगा, अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, अमेरिका भी इनकी बात नहीं सुनेगा, उनके अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, उनके इराक में प्रॉब्लम है, इसलिए आप कंटिन्यूसली इस मोमेंट के सही स्वरूप को विश्व के सामने, देश के लोगों के सामने लाओ। लेकिन सोच वहां पे जो लगती है कि भाई कुछ बातें नहीं कहो, जिस तरह से ये बात कही गई कि जम्मू को लद्दाख के साथ, जम्मू को कश्मीर के साथ अलग करोगे तो कश्मीर चला जाएगा, यही बात अगर कहनी थी तो पहले कहना चाहिए था कि जम्मू को फुल फ्लज्ड एम्पावरमेंट करो, पूरे तरीके से एम्पावर करो,
जम्मू का एज ए होस्टेज यूज नहीं करो, तो ऐसे स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट का पहला कहना होता कि पहले जम्मू का सेंसस करेक्ट करो। भारत सरकार ही अपने ही कागजों में, अपनी ही प्रक्रिया में आपको कम लिखे, या आपको अगर बराबर भी लिखे उसको ज्यादा बनाए। अगर मान लीजिए कुपवाड़ा के किसी विलेज में 50 घर हैं, सेंसस रिपोर्ट में 250 घर लिखे, इस प्रक्रिया का आप कैसे मुकाबला करो? वो बोलते देखो आपका सेंसस है, ये तो आपका सेंसस बोल रहा है कि यहां पे हम 250 घर हैं, और आप कैसे बोल सकते हो कि हम 50 ही घर हैं? मैंने नहीं देखा कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इंडिया के, मैं इसलिए बोल रहा हूं डेप्थ ऑफ मेलेडी, जो बीमारी है, बीमारी की गहराई की मैं बात कर रहा हूं। अगर राष्ट्रभक्त ऐसे सामरिक विशेषज्ञ भी इन चीजों को क्रिटिकल नहीं मानेंगे, अगर वो समझेंगे कि होस्टेज रखना एक अपनी ही पॉपुलेशन को हवाले करना, सैंडबैग के रूप में, बंकर के रूप में इस्तेमाल करना, ये एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, तो बीमारी की गहराई बहुत ज्यादा है, ये हमको समझना चाहिए, और अपने आप को बचाने की प्रक्रिया का विजन हमको खुद निकालना चाहिए। पनू कश्मीर के संदर्भ में हम बहुत क्लियर हैं, ये नई व्यवस्था बनने से जो लीगल हर्डल्स थे पनू कश्मीर के बनने के, वो कमजोर हो गए, वो अब वैसे नहीं है। पहले हमको बोला करते थे कि भाई आर्टिकल 370 है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ये क्लास है, इसकी टेरिटरीज चेंज नहीं कर सकते, आप कैसे करोगे, उसके लिए धारा 370 को हटना है, फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जाना है, ये सारी बातें कहते हैं। अब वो नहीं है, अब कल को मान लीजिए अगर लगे कि ये करना है तो कर सकेंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं। और दूसरी बात, एक नए किस्म का जियो पॉलिटिक्स शुरू होगा, पाकिस्तान क्या करेगा, वहां का अलगाबादी क्या करेगा, ये एकदम से आपके सामने थोड़ी है। जब हमने पनू कश्मीर की बात डिमांड की, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ रिवर जेहलम, इसका एक स्ट्रेटेजिक पहलू भी है, इसका एक सिविलाइजेशनल पहलू, हमने यही बात क्यों कही, हमने यही एरिया क्यों चुना, एक और वो स्ट्रेटेजिक बातें आगे आने वाले दिनों में वो भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। तभी हमने कहा कि दैट पनू कश्मीर, क्रिएशन ऑफ पनू कश्मीर विल बिकम मोर रेलेवेंट इन द कमिंग डेज। ठीक है, एक नई व्यवस्था आई है, हम इसके आड़े नहीं है, हम इसको कंसोलिडेट करने के लिए भी काम करेंगे, हम चाहेंगे कि यहां पर व्यवस्था का निर्माण हो। और अगर मान लीजिए ये व्यवस्था का निर्माण वैसे हो, हम कहते हैं कि भैया जिनोसाइड को मानो, डिनाइल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया को बंद करो और रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड का एक प्रोसेस शुरू करो, तो हमारे सामने बिंदु बहुत क्लियर है। जिनोसाइड को मनवाने के लिए क्या करना चाहिए, उस प्रक्रिया में कहां कहां पे कमी है, ये आगे आने वाले समय में करना चाहिए। इसे मोनिका जी ने 238 एफआईआर की बात की है, इस संदर्भ में जब भी बात करते तो लगता है कि इसके अगर ये आर्गुमेंट दिया जाए कि भाई एफआईआर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लेवल पे, क्या हम इस बात को ले जा सकते हैं? भारत सिग्नेटरी है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड की गवर्नर्स नेट में, ये सिग्नेटरी है। ये जो ये गवर्नर्स है, इनका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, आगे आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। अगर जो कंट्री सिग्नेटरी है और खुद ही वायलेट करे उस उन गवर्नर्स को, तो उस कंट्री के बारे में, उसकी गवर्नमेंट के बारे में किस तरह से अभियान करना चाहिए, ये कल्पना अपने सामने लानी, हमको अपने सामने लानी। इसी तरह से हमने अभी तक डिनाइल ऑफ जिनोसाइड को लेके काम नहीं किया, हमने 1200-1500 लोगों के मरने की बात वहां पे की है, फिर वहां पे जो हमारी जो वहां पे रहने की जगह थी, हिंदू हैबिटेट था, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात की है, इसको डॉक्यूमेंट भी बहुत हद तक किया है, जिसके आधार पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा ये एकिन टू जीनोसाइड। जीनोसाइड मनवाने के लिए अगर भारत सरकार रिलक्टेंट रहती है तो क्या करना चाहिए, और डिनायल ऑफ जीनोसाइड इसका स्वरूप क्या है, इसको विश्व के सामने, राष्ट्र के सामने लाना चाहिए। पहला
पहले 10 साल तो 20 से 25,000 के करीब लोग तो मारे गए यहां पे। ये किसके खाते में चढ़ा है? ये किसने जुर्म किया? ये किसने ये कहा कि भाई कैंप है, ये 2 महीने का है, 2 महीने के बाद वापस जाएंगे? ये किस एडमिनिस्ट्रेटर ने असेसमेंट की कि वो वहां से सर्द एरिया से लोग आ रहे हैं और उसने तैयारी नहीं की कि भाई इनको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, और कैंप वहां पे बनाए जाए जहां पे सांप हो, जहां पे बिच्छू हो? ये किसके खाते में हम डालें? और ये इसलिए नहीं करना है कि हमको एम्प्रेस करना है पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि अगर हिंदू होने के नाते हमने ये बात नहीं की, जीनोसाइड इफ इग्नोर्ड डुप्लीकेट्स, डिनाइल ऑफ जीनोसाइड इफ इग्नोर्ड इट कंटिन्यूज विद मोर इंटेंसिटी। पूरे हिंदू समाज के लिए आप एक चेतना का निर्माण कर रहे हैं। जो यहां पे हो रहा है ये बांग्लादेश का हिंदू नहीं कर पा रहा, जो यहां पे आप कर रहे हो वो केरला का हिंदू एट्रिशन ज़ोन्स में नहीं कर पा रहा है, वो वेस्ट बंगाल का हिंदू जहां पे वो खतरे में है वो नहीं कर पा रहा है। आपने पूरी व्यवस्था के सामने अपने आप को खड़ा करके एक ऐसा लेक्सिकॉन, एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया जिसके कारण आप जीवित रहे, शान से जीवित रहे, अपने बच्चों को पढ़ाई दे सके और संघर्ष भी करते रहे, अभी भी संघर्ष करते रहे। आज सुबह से अभी तक 6-7 घंटे से आप सुनते आ रहे हैं, पीछे क्या आशा है? अजय सुंगु कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहां पर कोई नौकरी लेने के लिए नहीं आया, अपने जेब से पैसे खर्च करके आया। ये किस चेतना का सूचक है? उस बात को आपको खुद को समझना है, क्योंकि आपको ये कहने वाले कि आप कुछ नहीं हो, खत्म हो गए हो, ये बहुत है। और मैं आपको अंत में ये बात जरूर कहूंगा कि आप कुछ नहीं हो, जब हमारे ही समाज में से कुछ लोग बोलते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा एस्केपिस्ट वही है जो प्रॉब्लम से साक्षात्कार करने से भाग रहे हैं पिछले 30 साल से। आपके संघर्ष का सबसे ज्यादा फायदा उन्होंने लिया। समीर कोल ने पीडीपी के अपने बेटों को क्यों माइग्रेंट एंडोर्स ये करवाया, रजिस्टर करवाया? दिमाग में ये है कि भाई कल को अगर थोड़ा सा फायदा मिल जाए। ये सब लोग जो आपको उसके उस साइड के खाते में है वो आपसे फायदा ले रहे हैं, आपके संघर्ष से फायदा ले रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस से फायदा ले रहे हैं। उपिंदर कोल आर्टिकल 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, ये न्यूज क्यों बन गई? ये न्यूज इसलिए बन गई क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो, और वो दिखाना चाहते हैं कि भाई कश्मीरी पंडित देखिए ना, कश्मीरी पंडित कर रहे हैं। सडनली उनको कश्मीरी पंडित की इंपॉर्टेंस की याद आ रही है। इसलिए जो लोग आपको बोल रहा है कि आप कुछ नहीं होगा, आपके सामने जो ये लद्दाखी बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब अपना वक्तव्य रखा 70 साल में लड़ाई लड़ी, राज मिल गया, और आपको 30 साल के बाद ही कश्मीर से सैकड़ों फोन, आप में से सब लोगों को कोई ना कोई फोन आया कि भाई आपसे हम हार गए। पार्लियामेंट में हर एक एमपी ने जस्टिफाई करने के लिए कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्यों किया, आपका उदाहरण दिया। इसका मतलब है कश्मीरी हिंदू विस्थापन, इस विस्थापन के जुड़े जो भी कॉन्ट्रडिक्शन, जो भी पहलू है, ये देश की राजनीतिक चेतना में घुस गए हैं, ये देश के दिमाग में घुस गए हैं। ये काम किसने किया? हजारों की संख्या में हमने सेमिनार किए होंगे, हजारों की संख्या में हमने धरने किए होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंगी, इतने साल केरला से लेके जम्मू तक और वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक हम कहां नहीं गए, हर साल कहां नहीं गए। आहिस्ता 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 से, सिर्फ मैं पनु कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक कश्मीरी हिंदू, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा आप कश्मीर थे, जहां जहां भी आप गए, गाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, किसी के 10वें दिन पे बैठते हो, किसी के शादी पे जाते हो, यही बात चलती है। 30 साल से
लगभग 6-7 लाख लोग, मैं तो समझता हूं कि 1 मिलियन के करीब हो गए होंगे, सिर्फ जो विस्थापन हुआ 90 में। और यहां पे इस बात को भी चेताया गया, और हमको इस बात को बहुत एक्टिवली लेना चाहिए कि पिछले विस्थापनों में जो कश्मीरी हिंदू उखड़ के आए और देश के विभिन्न देशों में उनके साथ जोड़ के, उनका भी क्लेम कश्मीर में है, उनके आधार पे हमको क्लेम करना है। और यह प्रक्रिया हमको आगे आने वाले समय में लेनी पड़ेगी अपने साथ। आज आपने एकजुट के चेयरमैन की बात सुनी, आपको अच्छा भी लगा होगा कि जम्मू में एक नई लीडरशिप आ रही है जो डिफरेंटली सोच रही है, कुछ योगदान हमारा भी है, हमने भी कुछ बातें कही हैं। हम ही ये कह रहे थे कि भाई अनलेस यू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स नेम, और ये बात फैल रही है, लोगों को समझ में आ रही है कि हम तो सही प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहे थे, तो हमको पॉलिटिकल सॉल्यूशन सही कैसे होते मिलता। और जब से सही प्रॉब्लम की शिनाख्त जम्मू में होने लगी, अभी एक छोटे से वर्ग ने की, लेकिन इफेक्टिव आर्टिकुलेट वर्ग ने की, ये स्टेट ही टूट गया। इसलिए आज के दिन अपने मन में यह बात रखते हुए कि भाई सिविलाइजेशन को आगे कौन ले जाता है, जब एक विक्टिम, जब एक भुक्तभोगी सच बोलना नहीं छोड़ता है, जिसके साथ घटा हो अगर वो बोलना बंद कर दे सकते, तो संस्कृति का उत्थान नहीं होता, संस्कृति आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये संकल्प लेके जो सत्य की साधना हमने इतने साल की, और उस सत्य के आधार पे जो हमने संघर्ष किया, हम उसको आगे आने वाले समय में नहीं छोड़ेंगे। अपने कल्याण के लिए, पूरे जम्मू के समाज के कल्याण के लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। एक बात मेरी बात समझ ली है अंत में, और मैं समाप्त करता हूं। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का सबवर्शन हो रहा है, जहादी अंदर घुस के डेमोक्रेसी पे कब्जा कर रहे हैं, और इस सारे अभियान का नेतृत्व शेख अब्दुल्ला ने किया जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करके, और इस बात की शिनाख्त हमने की, और ये पूरे विश्व को बताना है कि भैया ये लड़ाई अब अलग है। तो हमारे लिए एक डायमेंशन एक बड़ा है जम्मू के साथ जुड़ना, हमारे लिए डायमेंशन बड़ा है ग्लोबल मूवमेंट्स जो हैं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स से ट्रस्ट है, उनके साथ जुड़ना, अपनी बात कहना, इसमें हम कहीं पे भी कमी नहीं करेंगे। जो ये सरकार अच्छा करेगी हम उसके, और जो ये सरकार गलत करेगी हम खड़ा हो जाएंगे। जिस तरह से हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पे मोदी की रेपुटेशन है, इसके लिए हम चुप करके नहीं बैठे। मोदी एक युग प्रवर्तक के रूप में आगे आए हैं, इसकी उद्घोषणा हम करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हम सैंड बैग नहीं है, हम बंकर नहीं है। नमस्कार। विचार के सागर में गहरी डुबकी लगाते हैं तो एक मोती विचारधारा की लड़ी में जुट ही जाता है। धन्यवाद अजय जी। अब मैं अपने कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर जी से निवेदन करूंगा कि वो पता नहीं क्यों एक मन में एक सिद्धि पैदा हो रही है, जिसमें फैज का एक शायर याद आ रहा है, कपलेट याद आ रहा है, तबीयत इन दिनों बेगानाए गम होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। खुशी बढ़ाने का दिन है, अवसर है, कम होने का नहीं। मंच पर बैठे पानुन कश्मीर के चेयरमैन विचारक, आपने अभी इनका गहन राजनीतिक कूटनीतिक सामरिक मार्गदर्शन करने वाला उद्बोधन सुना, तो उसके बाद तारीफ करने की जरूरत है। आप उनको 30 साल से जानते हैं,
मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है, इंडियन स्टेट का, कि ऐसे व्यक्ति को यहां पर नहीं पीएमओ ऑफिस में होना चाहिए। ये बौद्धिक गुरु हैं जिन्होंने प्यार और सम्मान से मुझे गुरु कहा। गुरु भारी होता है, गुरु का अर्थ होता है जो भारी हो। हर गिरते गुरु सेवक धर्मु, तुलसीदास के, हर गिरे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत से गुरु, उससे जो भारी है, कैलाश पर्वत से भी भारी है, वो है सेवक का धर्म, सेवक धर्म। और हम सब सेवक हैं समाज के, देश के, इसलिए हम पर कैलाश, एक ही कैलाश सिर पर है। तो ऐसे चेयरमैन अजय जी के बाद डॉक्टर क्षमा को के बारे में भी क्या कहूँ, आपने सुना, आप आज या इनको कल या परसों या दो साल पहले या छः साल पहले सुन के अभिभूत हुए, तो मैं तो 34 साल से ये कवियत्री हैं, लेखक हैं, जो भी हैं। उसके बाद हमारी बहन मोनिका कोहली गंजू बहुत प्रखर, ओजस्वी और स्ट्रेट शूटर की तरह, जैसे वकील बोलता है, वो बहुत अच्छी है, दो टूक बिना सरप्लस के बोलने वाली ऐसी बहन पहली बार मिली। और हमारा परिवार तुम्हारे आने से पूरा हुआ है। और मेरे भाई हैं भूषण लाल, और इनकी दुविधा ये थी कि आधा हिंदी में बोल रहे थे, आधा कश्मीरी में बोल रहे थे। अगर कश्मीरी में बोलते हलिकांजन ऐसे गुरुस को मसाए, क्योंकि हिंदी का मामला था, हिंदी का भी सम्मान रखना था। और कभी किसी बार एक ज़माने में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अपनी कविराय के नाम से वो कविता लिखते थे, कहते हैं, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, हिंदी वाले हैं चपरासी। तो मेरे भैया ये चपरासी का धर्म बहुत बड़ा होता है, जैसे वो कहते हैं ना, मोदी ने भी कहा था मैं चपरासी चपरासी हूँ, तो चपरासी कर करते करते उन्होंने लोगों को फांसी पर चढ़ाया था, चपरासी करते। तो मेरे हीरा लाल जी हैं, तो ये हीरा भी हैं लाल भी हैं, तो आप कमाल उनका जानते हैं। और मेरे कार्यकर्ता दोस्तों जिन्होंने खून पसीना एक करके इस उमस भरी जो अवधि थी 5-10 दिन में, कुछ मत पूछिए कि जब हीट स्ट्रोक होते होते आप बच जाए, तो ऐसी गर्मी ऐसी उमस में लोगों ने काम किया और आपको यहाँ आने के लिए सुविधा जुटाई, सूचित किया। इन सभी मेरे दोस्तों, जो मैंने कहा ना, हर कीर्ति गुरु सेवक धर्म, ऐसे अपने साथियों को प्रणाम। और इस हाल में बैठे हैं दिग्गज लोग, प्यारेलाल बड़गामी जी हैं जिनको यहाँ भी होना चाहिए था, समय का अभाव है, शारदा नंदन जी हैं, एक से एक धुरंधर है, सबको प्रणाम करते हुए मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा जो यहाँ दोहराई गई। इतना जरूर कहूंगा कि मैं बधाई देते हुए चलूंगा जो हमने श्रद्धांजलि धुन में पूरे वातावरण में गुंजाई अपनी श्रद्धांजलि, वो निश्चय ही आप लोग सब लोग आस्थावान हैं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, इसके इसको धर्म निरपेक्ष कहा गया, ये धर्म प्राण देश है। और जब आप ईश्वर की पूजा करते हो तो आप क्या करते हो, घंटा बजाते हो, शंख बजाते हो, धूप जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है ईश्वर की पूजा का। आप घंटी बजाते हो, बस पूरी गूंजती है पूरे ब्रह्मांड में आवाज फैलती है। इस तरह हमारी आज की श्रद्धांजलि धुन जो हमने शुरू की वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। हमारा जो भी पितर है कहीं, और पितृपक्ष आज शुरू हुआ है, और जो भी पितर है उनमें हमारे शहीद भी हैं, उन तक जरूर हमारी धुन पहुंची होगी। वहां से हमने शुरू किया, आपने श्रद्धांजलि दी गीतों से, संगीत से, बांसुरी से, गायन से, कैलाश जी के गायन से, नैना जी के गायन से, लखनऊ से आई रेणु जी के गायन से, और आपने स्मरण किया मास्टर जी को, मास्टर जिंदागोल का वो जो यहाँ गाया गया कि पत तार बने उन आलोच में कहो कहाँ से तरीका अपोर। मेरी बगल में हीरा लाल जी थे, कहा कि यहाँ तो ऑप्शन भी है, फिर यार आपको नाव तरावा नहीं मिलेगा, पार करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप में से है कोई जिसको पार जाना है,
मैंने कहा कहते तो ठीक हो कि वहां ऑप्शन है, कौन जाएगा जी कश्मीर, जाएंगे कि आप देखोगे? मैंने कहा जब ईश्वर है नाव नाविक तब फिर विकल्प नहीं रहता है, जब नाविक है ईश्वर वो बुला रहा है, हक दे चुका है, हक होता है हाक क्रक आवाज लगा रहा है ओए उठो चलो मेरे साथ, तो ये विकल्पहीनता है, विकल्प नहीं है जाने का हमारे को, विकल्प ही नहीं, हमको जाना ही जाना है क्योंकि ईश्वर बुला रहा है। मैं थोड़ा बहुत टाइम लगा, मुझे पता है समय कितना हुआ, मैं पॉलिटिकली नहीं बोलूंगा, डिप्लोमेटिकली नहीं बोलूंगा, मिलिटरली जो मैं थोड़ा बहुत इसी लाइन को 2-5 मिनट में आपके सामने रखूंगा, सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मानना यह है कि कुछ समय से जिसको आप पॉलिटिकली हिस्टोरिकल फोर्सेस कहते हो, हिस्टोरिकल फोर्सेस ने ऐसा किया, हिस्टोरिकल फोर्सेस मैं उसको कहता हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जानिए ईश्वर सक्रिय हुआ है, जानिए देवी सक्रिय हुई है, जानिए कश्मीर का नाम है कश्मीरा देवी, यह वो देवी उमा साहिब कश्मीरा, कश्मीरा देवी चाह कही सक्रिय है, वितस्ता देवी सक्रिय होती है, और ये उसकी सक्रियता के बिना नहीं है। हमने गाया अष्टर्पण कश्मीर अश्वस ऋषिपीर, तो जहां आपके पीठ पीछे ऋषिपीर जैसा संत है, जहां ईश्वर ईश्वरी शक्तियां आपके साथ हैं, वहां अब हमारे दुर्भाग्य का त्रासदी का अंत बहुत करीब है। इसीलिए मैंने यहाँ चलते मैं कहा था जिसकी और शला जी ने इशारा किया, मैंने कहा थर मैं हम कोई विवेकानंद नहीं है, हम कोई वो नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, हमको 30 साल के बाद लगता है कि 5 अगस्त के बाद हम उम्मीद के उस कगार पर पहुंचे जब हमको लगता है तो दरवाजा खुला और हमको होमलैंड दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है जम्मू से, अभिनव थिएटर से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, अमेरिका से, लंदन से, दिल्ली से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, देश के कण कण से, हर जगह से कश्मीरी पंडितों को और भाइयों को अपना होमलैंड अब दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे यहाँ से अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाई देता बिल्कुल। अब फिर इन्होंने 13 सीढ़ियां गिनाई, 6 इधर की 7 इधर की। मैं आपसे कहता हूं एक बहुत बड़ी घटना हुई है, टाइम हैज चेंज इनटू डिस्टेंस, अब किलोमीटर्स में डिस्टेंस में जर्नी करनी है, अब मैटर ऑफ टाइम है, समय एक दूरी है, अब समय की बात है ये समय कितनी कितना टाइम लेगा, जैसे ब्रह्मांड में शायद 30 सेकंड भी नहीं होते होंगे जो तुम्हारे 30 साल थे, 30 सेकंड भी नहीं होते, चांद में इतना टाइम है, आपके पृथ्वी पर ही इतने टाइम जोन हैं, हमारे 6 महीने है वहां किसी कहीं एंटार्क्टिका पर 1 दिन है कहीं, तो टाइम का खेल है, 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जहां 30 साल देखे अब टाइम का खेल है, हमको उम्मीद ऐसी जगी है, वो सारी बाधाएं हटी हैं, दीवारें गिरी हैं, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जितने भी बाधाएं को सारी की सारी हट गई है, आपके आगे कोई ओपेक ग्लास नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको दिखता है कि मुझे मेरी कश्मीरा माँ, मुझे मेरी धरती, जिसे भगवान कृष्ण ने कश्मीर आकर पार्वती कहा है, जब भगवान कृष्ण कश्मीर आए तो उन्होंने कहा यहाँ की धरती जो है साक्षात पार्वती है, और यहाँ की विदस्ता जो है नदी देवी सती देवी, नदी भूतवा कश्मीर आया मिनरता, ये तो सती हैं, हमको अपनी माताएं, हमको नदियां दिखती हैं, अपना मौसम दिखता है, और सबसे बड़ी एक और छोटी सी बात, जिन दिनों अभी हम स्वामी अमरनाथ की यात्रा जा रही थी, मैंने कहा ना मैं पॉलिटिकली नहीं बोलूंगा, सब बहुत हो चुका है, मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ इसमें, बल्कि मैं ही उससे लाभान्वित हुआ हूँ, एनरिच हुआ हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ, स्वामी अमरनाथ की यात्रा हो रही थी, अचानक रुक गई या कहा गया कि अमर यात्री वापस आए, उससे पहले मैं एक दिन घर आया, डॉक्टर क्षमा कोल ने मुझसे कहा कि आपको पता है आज क्या देखा मैंने, क्या हुआ, कहा आज देखा 10-20-30-40 कोई लोग पालकी में बिठाए स्वामी अमरनाथ की यात्रा की ओर जाते हुए नंदी को लेके जा रहे थे, संगमरमर का नंदी। मैं एकदम
चुप रह गया। इसका अर्थ उन्होंने कहा, मैं अपनी मंद बुद्धि से कहूं तो मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कैसे लोग हैं इनको, नंदी को क्या क्यों ले जाना है स्वामी अमरनाथ के ऊपर, क्यों ले जाना है वहां, क्योंकि उसकी कथा जो है ये अमरनाथ नाम नहीं है, इसका नाम बाबा। ये क्या आपने अब पंजाबियों ने वो कर दिया है कि वो नहीं नहीं बाबा बर्फानी, मुझे बहुत बड़ी मलाई कुल्फी लगती है बर्फानी जो कहता है यार, वो तो सीधे अमरेश्वर है, भैरव है, ये अमरेश्वर है। और बाबा अमरेश्वर जो है अमरनाथ जिसको आप कहते हैं, उन्होंने ऐसा स्थान चुना जहाँ एकांत हो, जहाँ खाली भैरवी हो और भैरव हो और उनमें संवाद होना है अमृतत्व पर, अमरता क्या है। तो ठीक है, डिप्लोमेसी में होता है जैसे हमारे यहाँ भी ट्रैक टू ट्रैक होता है, हो सकता है ईश्वर ने भी कोई ट्रैक वैक रखा तो कबूतरों का अंदर बैठो सुनते जाओ बाद में बोलना, लेकिन दुनिया को नहीं बताना, यहाँ कोई नहीं था। ऐसे में कथा है कि नंदी को नीचे उन्होंने यात्रा पर जाते हुए कहीं रुकने को कहा, इसको उतारा, शेष को उतारा, आगे गणेश साहब थे जिसको हम महागुनस बोलते हैं उसको वहां रोका, अकेले थे। तो ये नंदी को क्यों ले गए, मेरे दिमाग में रहा, मैंने कहा पता नहीं कुछ अशुभ ना हो। और यात्रा रोकी गई दो तीन दिन के बाद, मैं भी धर्मशाला चला गया, धर्मशाला में किसी काम से गया था तो वहाँ एक मंदिर में मैं गया, वहाँ शिव मंदिर में गया और बहुत अच्छी मूर्ति, अचानक मेरे दिमाग में ये विचार फिर खोदा और इसका अर्थ खुल गया। मैंने कहा यार ये तो है, मैंने ये लगा कि नंदी तो इनके वाहन है, हम सबकी गाड़ियां बाहर हैं, जिनके ड्राइवर साथ होंगे उनको अभी फोन करेंगे, यार तुम आ जाओ गाड़ी स्टार्ट करके, आ जाओ उन्हें निकलना है या मुझे जाना है। मैंने कहा बाबा स्वामी अमरनाथ जी ने फोन लगाया नंदी को, तुम आ जाओ, मुझे अब उतरना है तांडव करने के लिए। चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम, तांडव करना है, तुम आ जाओ, मेरे लिए अर्थ खुला। ओहो ये तो ये बात है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन है। और फिर आप देखिए, मैंने अजय जी से कई बार कहा, मैंने कहा अजय जी देखो हमारे शत्रु के पक्ष में ईश्वर नहीं है, सच्चाई ये जो जो कदम उठा रहे हैं ना ये लोग, तो सारे फेल हो रहे हैं, सारे फेल हो रहे हैं, सारे तो सिद्धियां हैं, सिद्धियां एक्टिव हैं, शहरों में शास्त्र में सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां सारी एक्टिव हैं और भला होने वाला है, न केवल हमारा, न केवल कश्मीर का, न केवल जम्मू का, पूरे भारतवर्ष का, शायद मानवता का भला होने वाला है, सारी सिद्धियां एक्टिव हैं, सारी सिद्धियां एक्टिव हैं। मैंने देखा, आपने देखा कि वो लोग कुछ मस्खरे राजनीति के, राहुल गांधी वांधी वे सारे लोग कश्मीर जा रहे थे और पूरा ताम झाम लेकर के अब यही न्यूज डोमिनेट करनी थी पूरे विश्व में, अचानक जेट ले का स्वर्गवास हो गया तो सारी न्यूज ही खत्म हो गई। मैंने इनको कहा यार इनके पक्ष में नहीं है नेचर, ईश्वर इनके अंदर शत्रुओं के पक्ष में नहीं है। 370 को आग हाथ लगाओगे पूरे हिंदुस्तान में आग लगी, हिंदुस्तान में आग नहीं लगी, हिंदुस्तान जाग गया, इनके पक्ष में नहीं है ईश्वर। आप देखो 370 या राष्ट्रीय ध्वज को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, तो हमने सुना कि कंधा देने वाली, धमकी देने वाली के बालों में जुएं पड़ी हैं और जेल में मांगती है शैंपू, तो जो डीएसपी वहां थी और लेडी डीएसपी उसे कहा शैंपू, उसने कहा नहीं मैं देखती हूँ शैंपू देना है आपको कि नहीं देना है, तो उसका मैडम इसमें शैंपू नहीं लिखा है, वो कह रही आप, फिर उसने 10 रुपये का वो पाउच दिया तो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो जो भी है ये यार कल क्या थी और आज कहाँ है, उमर अब्दुल्ला के बारे में सोचे आप यहाँ बैठे वो कहाँ बैठा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, फारूक अब्दुल्ला कहाँ बैठा होगा, हम कहाँ बैठे हैं। और देखिए हम हर्ष से प्रसन्नता से विश्वास ही नहीं हो पा रहा है जो हुआ है, और उन लोगों को शोक शौक इतना है कि वो शौक में सोच नहीं पा रहे हमारे साथ क्या हुआ है। तो वहां शोक है, यहाँ हर्ष है, तो हर्ष जहां है ना, हर्ष ईश्वरी शक्ति है, ये ईश्वरी शक्ति है, प्रसाद है, मिला है, नवीद मिला है उनको, नवेद जिसको कहते हो, अश्नवीद में उनको खुशी हुई नवीद, ये एक डायमेंशन है इसका। अब हमारे लिए है कि कहीं हम बह न जाए इस खुशी में। अब ये 30 साल का संघर्ष उस पॉइंट पर आ चुका है
इसको आर पार कहते हैं ना, वहां पे हम आ चुके हैं। अब हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं गर्व में बैठना, अब हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं सक्रिय न होना, अब हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कंप्लेसेंट होना, अब हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये लोग करेंगे अजय अजय हैं ये पानून कश्मीर वाले क्या करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हमने विजिबिलिटी काफी बढ़ानी है अपनी, ये कश्मीरी में कहेंगे कि अश्वानुन कारण, ये लड़ाई है वानन वालों की और कारण वालों की। अब जो वानन है, जो हमने वनना है, जो वानन जय, हम अगर नहीं बोलेंगे ऐसा करने वाला उसे कैसे, वो सरदर्द क्यों ले फिर कोई सरदार, क्योंकि हमारे लिए अभी कुछ नहीं हुआ है, देश के लिए हुआ है जिसके हम अंग हैं, जिसकी खुशी है हमको कि हमारा संघर्ष काम आया। कश्मीरी डिस्प्लेस्ड या जो भी है विक्टिम ऑफ जेनोसाइड हो गया वो वही क्यों नहीं है। उस दृष्टि से हम 4 अगस्त को जहां थे हमारे लिए वो 4 अगस्त ही है, अभी हमारा स्टेटस नहीं बदला है, हमारे बारे में बात नहीं हो रही है। और मुझे कल बहुत सदमा लगा, कल या परसों के कश्मीर टाइम में मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक बयान पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, किसे कहा कश्मीरी पंडितों के रिटर्न के बारे में आपके क्या विचार है, कोट अनकोट करके देखिए परसों के, उसमें कहता कि जो ही अब हालात ठीक हो जाएंगे तो प्लान क्या बनाना है इनके रिटर्न के लिए, ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे वापस। अब ये जितेंद्र सिंह का पर्सनल ओपिनियन है जो इडियोटिक है, जो पॉलिटिकली बैंकक्रप्ट स्टेटमेंट है, आई कंडेम इट, या कि पॉलिसी स्टेटमेंट है। अगर उनका पर्सनल है इडियोटिक है तो उसको दया करनी चाहिए, जितेंद्र सिंह को याद रखना चाहिए, उसको हमने इस मंच से बनाया, आज वहां बैठा है, उसको अनग्रेटफुल नहीं अगर बनना है उसको याद तो रखना चाहिए। पानून कश्मीर वालों ने खून पसीना करके जितेंद्र सिंह को वहां पहुंचने में एलिजिबिलिटी उसकी बढ़ाई है, आज आप हमारे बारे में ऐसे बोलते हो, इसको दया करनी चाहिए, छोड़िए। लेकिन अगर एक पॉलिसी स्टेटमेंट है तब हम हमारे लिए अलार्मिंग है, तब ये टाइम बाय कर सकते हैं, जिसकी ओर हीरा लाल जी ने इशारा किया, भरोसा भी मत करिए, हो सकता है हमको धोखा लग जाए आने वाले दिनों में, ये कश्मीर कश्मीर कह रहे हैं, रोजगार कश्मीर को, वो कश्मीर को, 10 मंत्रालय कश्मीर को, तो उसका मतलब है कि हम वहीं के वहीं हैं, हालात ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसलिए आपको एक्टिव होना है, और मुझे लगता है पूरा देश हमारे साथ है, पूरा राष्ट्र हमारे साथ है, पूरा देशभक्त जनता हमारे साथ, इस मंच से कहा गया पूरा लद्दाख हमारे साथ है, जम्मू तो है ही है, और हम इस जो इनकी सोच है इसको शायद करेक्ट करने के लिए, मैं होप करता हूँ कि उन्होंने यूं ही कहा होगा, और जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया जैसे अजय जी ने कहा, तो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इन कश्मीर भारत में से सारे इस डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को कैसे हम, जिसको ये रिहैबिलिटेट कहते हैं, रिटर्न कहते हैं, जैसे हमारी बहन ने कहा अभी वो नॉमनक्लेचर्स जिनोसाइड के अंतर्गत उन सबके खिलाफ हमने लड़ना, माइग्रेंट हम नहीं है, ये रिटर्न नहीं है, ये रिवर्सल होना चाहिए, ये वहाँ मिलिटेंसी नहीं है, ये जिनोसाइड था, ये मिसगाइडेड यूथ नहीं है, वो जिहादी है, पूरा नॉमनक्लेचर्स जिनोसाइड में बदला जैसे क्या, उसको रिवर्स करने के लिए मुझे लगता है सारे रिवर्सल के प्रोसेस को लेकर के पानून कश्मीर होमलैंड कश्मीर घाटी के अंदर यूटी स्टेटस के बिना आज की तारीख तक भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ना आगे होगा। और ये याद रखिएगा, आएंगे कई सौदागर आते हैं, पीछे आए थे 5-8 लोग वो तरवे चाटने के लिए, उमर फारूक के कोई महलार बन गए, कोई पता नहीं क्या रिगो पिगो बन के आए, तो सब पता नहीं गधे के सींग सिर सिर से सींग गायब होते हैं, वैसे वो गायब हैं, लेकिन वो आएंगे, फिर से आएंगे। ये हमें तैयार रहना पूछने के लिए, रिटर्न किनका, अगर आप रिटर्न कहते हो किनका रिटर्न, ये सीनियर सिटीजन का रिटर्न है क्या, जैसा यहाँ इशारा किया गया, रिटर्न किसका है और रिटर्न का मॉड्यूल क्या है। अगर आप मुझे वहां एक क्वार्टर देते हो, क्या मुझे समर रिजॉर्ट देते हो, मैं जम्मू की गर्मी बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहां कश्मीर जाऊंगा 6 महीने के लिए फिर वापस आऊंगा, दरबार मुंह करवाना है हमारा क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चों के बच्चों का, उनके बच्चों का, बच्चों का, बच्चों का भविष्य का क्या है, अभी ये जो पैकेज आपका क्या है, मतलब ऑनली रोजगार रोजगार की चलती है बात,
यहाँ रोजगार में कल कुछ बच्चे मेरे घर आए थे, वो ओवर एज हो गए थे, और मैंने उनसे कहा यार ओवर एज होना तुम्हारा कसूर नहीं है, ओवर एज होना सरकार की नालायकी की वजह से तुम हो, उनके नेग्लेक्ट की वजह से तुम हो गए। जैसे हमने ये जो डिस्ट्रेस सेल्स की बात की है, ये हमने मन से नहीं बेची है, डिस्ट्रेस में बेची है, डिस्ट्रेस सेल है, डिस्ट्रेस सेल की तरह ही तुम ओवर एज हो। अगर तुम्हारी अभी 20 साल की लाइफ स्पैन है, 15 का है, 15 साल के लिए सब नौकरी का क्यों नहीं देते हो, देना चाहिए। तो ऐसी सिक्योरिटी है, बच्चों के बच्चों का भविष्य है, रिटर्न के साथ है, सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, आपके इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल और आपका एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, पुलिस, सिक्योरिटी, लैंड, सबका ये टोटेलिटी में एक रिटर्न पैकेज चाहिए, जिसको हम होमलैंड कहते हैं, हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है। और जबकि वहाँ अभी सब कुछ वही है, जैसे अभी बताया गया, आप कुछ बदला नहीं है, सिवाय आपकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशंस बदली हैं, रास्ते खुले हैं। इसलिए चुनौती बहुत है, चुनौती बहुत है। और जैसे अभी हमारे लद्दाख के मित्र ने कहा, होमलैंड यूटी तो डिक्लेयर हो गया, अब यूटी डिक्लेयर होने के बाद कैसा लद्दाख, जैसा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में सोचा हुआ लद्दाख है, वो कैसे हम बनाए। इसी तरह अभी हम जो कह रहे थे इस साल से कि कश्मीर घाटी के अंदर उत्तर और पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट उस एरिया में जो हमने डिमार्केट किया, वहाँ एक ये इलाका है जिसको जिसमें आप यूटी करिए, तो ये तो अभी हम कल्पनाओं में सोच रहे हैं और एक अवधारणा के साथ चल रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे या पहुँचने वाले होंगे, तो आपको मैं अभी शारदानंद से बैठे बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे सारे ब्लूप्रिंट्स तैयार होने चाहिए। सबसे पहले हम वहां जाकर के किस तरह का कश्मीर चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें हमारा क्या थिंकिंग, एजुकेशन पैटर्न में हमारा क्या ओपिनियन है, जो हम आगे रख सके भैया हम तैयार हैं। तो इसलिए तैयारी उन उन लेवल्स पे भी होगी, तैयारी संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तैयारी हमने विजिबिलिटी बढ़ाने की जम्मू से पूरे देश और विदेश सब जगह हर लेवल पे, डिप्लोमेटिक सरकारी लेवल पे, मीडिया पे बढ़ानी है, बहुत बढ़ानी है, जब तक कि हम पूरा नहीं करेंगे। और मुझे होप है कि हम जरूर और जरूर अपने विजय में उसमें ये मतलब मुझे लगता है पूरा हम, मैंने कहा ना कि ईश्वर अब हमारे शत्रु के साथ नहीं है, ईश्वर हमारे साथ है, हमको खुद के साथ रहना खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, मैं सभी से विनती करूंगा कि जहाँ इतना समय दिया है आप लोगों ने, थोड़ी देर और हमारा साथ दे दीजिए। मैं बिहारलाल कौर जी से, जो इस कार्यक्रम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे विनती करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। और उसी के साथ दर साहब से भी विनती करूँगा कि वो अपने बच्चों को लाए हैं, ताकि हमारा ये प्रोग्राम का जो कल्बनेशन है वो नेशनल एंथम से हो जाए। बोल सर, एट द आउटसेट आई ओ gratitude to our chief guest, Colonel Arsan Singh, who came from Patna to this place and has enhanced the grace of this occasion. I also owe gratitude to P.T. Kunzang Namgyel, who came from Leh to this place and exhibited his solidarity with no uncertain terms with PANUN KASHMIR. I also pay a lot of thanks to Advocate Ankur Sharma, President of Jammu Ekjut, it is pertinent to mention here that
that he has always made us to feel and realize the fact that he is the part of our organization and movement. I also pay a lot of thanks to Advocate Monica Kahali to grace this occasion. It is not out of proportion to mention here that Advocate Monica Kahali Ghanjo always prioritizes nationalism over professionalism. I also pay a lot of thanks to our brother, Mr. Hiralal Bhatt, who has really made us feel that he is the part of our organization. I pay lot of thanks to Professor Kailash Mehra Sadhu, who has really mesmerized the audience and also paid rich tributes to the Martyrs. I also pay lot of thanks to Srimati Naina Sapro for enhancing the grace of this occasion and for paying the rich tributes to our Martyrs. I pay lot of thanks to our sister, Madam Renu Lata Kaul, who has come from Lucknow. She has undeniably enthralled the audience and also paid rich tributes to the Martyrs. I find it my prime responsibility and duty to pay lot of thanks to Dr. Sudhir Mahajan, the founder of Somo Theatre, who has cooperated us and with the organization to the optimum and made this event a mega success. I do not forget to pay lot of thanks to the entire managerial sit-off of Abhinav Theatre for cooperating us to the maximum. I also pay lot of thanks to both print and electronic media for taking the due cognizance of this program. I also pay lot of thanks to police authorities of Jammu for giving us the security cover. I warmly acknowledge the cooperation of my audience, of my brothers and sisters who have very patiently witnessed the proceedings of this program right from morning till evening amidst heat and humid. Last but not least, I congratulate all my activists who have really put their efforts jointly for this mega event and made this program a great success. I assure the audience that we will work with redoubled zest and fervor to take our cherished goal to the logical conclusion. It needs your cooperation and help from time to time. With these words, I say goodbye to all the audience. Thanks. Himachal, Yamuna, Ganga, Uccha.
Shema.